हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2018 में रिलीज हुई ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा फिल्म को। तो दोस्तों, ये फिल्म कौन से आपको कहां पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस मूवी ने रिलीज होने के बाद कितनी कमाई किया था और दोस्तों, ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ रोमांटिक फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस मूवी की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे। इसकी वजह से दोस्तों, आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म की कहानी को हिंदी में रिव्यू करेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ हम बात करेंगे कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है और दोस्तों, ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों, ये फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने किया है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, इस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार, उनके अलावा भूमि पेडनेकर और इस फिल्म में दिव्यांशु शर्मा अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। दोस्तों, ये फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक जो है भावनाओं के कारण ये फिल्म में एक अलग चीज दिखाया गया है जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत सारे जगहों पे टॉयलेट देखने को नहीं मिलता है, उसी चीज को इस फिल्म में दिखाया गया है। एक साथ दोस्तों, इस फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो दोस्तों, इस फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अभिनय करते हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों, ये फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के अभियानों के साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच के उन्मूलन पर जोर देने के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। दोस्तों, ये फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक जो भावनाओं के कारण होती है, जो गांव में अभी भी बहुत सारे जगहों पे टॉयलेट देखने को नहीं मिलता है। यही वजह था इस फिल्म को बनाने का, जो दिखाया गया फिल्म में कि कैसे एक के टॉयलेट ना होने की वजह से एक के औरत जो है बहुत परेशान होती है और वो अपने पति से फाइल कर लेती है तलाक के लिए। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी ये मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है जो महिलाओं को बहुत ज़्यादा निराश करता है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न का भी कारण बनता है ये चीज। तो इस फिल्म को शूटिंग करने के बाद मध्य प्रदेश की अनीता नरे की सच्ची कहानी पर इस फिल्म की कहानी आधारित है ये हमें बताया गया था। ये दोस्तों, उनकी कहानी के बारे में भी हम जान लेते हैं। इसने अपने पति शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह शौचालय नहीं था, इसी चीज को लेकर फिल्म को बनाया गया था। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, इस फिल्म को 11 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला था दोस्तों, खास करके फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट की मुख्य अभिनेताओं की पटकथा और प्रदर्शन के लिए इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी। और दोस्तों, ये फिल्म घरेलू स्तर पर और साथ ही साथ विदेशों में भी विशेष रूप से सच्ची में एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी और ये फिल्म अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और दुनिया भर में भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पांचवी फिल्म है। दोस्तों, फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, फिल्म ने 311 करोड़ से अधिक की कमाई किया था इस फिल्म ने, जो चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के अवार्ड के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, फिल्म को सीधे 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 3 नामांकन प्राप्त हुए थे इस फिल्म के लिए। आइए दोस्तों, अब इस मूवी की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करते हैं कि इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला था रिलीज होने के बाद। सबसे पहले दोस्तों बता दें, पूर्व मुख्य चुनाव के बाद जो है जिन्हें भारत में चुनाव को साफ सुथरा बनाने में मदद करने का श्रेय दिया था इस मूवी ने। इसी के साथ दोस्तों, प्रसिद्ध रूप से सरकारी जो है समितियों की तुलना में और शौचालय की यात्रा की ये एक कहानी को बताया गया है। यात्रा की ये कहते हुए कि लोग जो है बिना कुछ किए
लंबे समय तक जो है बैठे रहते हैं। इस वजह से श्री नारायण सिंह की शौचालय एक प्रेम कथा एक सरकारी समिति जितनी जो है दिलचस्प लगती है ये फिल्म। दोस्तों ये फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के लिए कुछ प्रचार स्टंट और आंशिक रूप से प्रेम कहानी के साथ एक व्यक्ति के अपनी जो है पत्नी के लिए शौचालय बनाने की मिशन के बारे में बताता है। ये वास्तव में एक फिल्म होनी चाहिए थी कि कैसे भारत में वयस्क जो है पुरुष अभी भी अपने माता पिता की सदियों पुरानी जो है मान्यताओं को और प्रतिगामी के साथ जो है परंपराओं का सम्मान करने के लिए रीढ़ नहीं खोज सकते हैं। इसके बाद दोस्तों केशव यानी कि अक्षय कुमार फिल्म के लिए अपने रूढ़िवादी पिता की अपेक्षाओं के कारण पत्नी को ढूंढना लगभग जो है असंभव हो गया है। इनमें से एक या फिर जो है एक या ये कहे कि दुल्हन के दो अंगूठे होने चाहिए यानी कि ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। उनके पिता का ये कहना है कि मैं उस लड़की से विवाह करूंगा जिसके पास दो अंगूठे होने चाहिए। समृद्धि का संकेत ये है, जहाँ पे जय के लिए मुश्किल ये होता है और वहाँ पे अंत तक उससे शादी कर लेते हैं जय से, यहाँ तक कि दोस्तों मिट्टी से उसके लिए एक अतिरिक्त अंगूठा भी बनवा लेते हैं, लेकिन जब वह उसे छोड़ देती है तो यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है और वजह यह है कि उनके घर में शौचालय नहीं है। तो दोस्तों केशव को अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए बिल्ली पांव बंद करना चाहिए और एक जो है रास्ता निकालना चाहिए। फिल्म में भारत में खुले में शौच एक गंभीर समस्या है, जहां आधी से अधिक आबादी के पास शौचालय नहीं है, लेकिन सिंह इस मुद्दे को सबसे निराश और साधारण तरीके से सुलझाते हुए फिल्म को बनाया है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है कि कैसे शौच जो है कितनी ज़रूरी होती है एक घर में। जया स्कूल में अव्वल और एक ऐसी लड़की है जो भारतीय है, लेकिन यहाँ पे पश्चिमी सोचती है, फिर भी वह उन जो है विशेषताओं को प्रदर्शित करती है जो उसकी तथा कथित मुक्त सोच के विपरीत है। जब केशव उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं और उसकी अनुमति के बिना उसकी जो है तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं तो वह एक मिली सेकेंड के लिए गुस्सा होने का नाटक करती है इससे पहले कि वह उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए। तो दोस्तों फिल्म की कहानी में आपको तो अच्छी कहानी देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म से ये भी मैसेज दिया गया है कि एक घर में कम से कम एक टॉयलेट तो बनाओ जिसकी वजह से आपके घर की जो महिलाएं हैं वो अपने घर में सुरक्षित रहे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि शुक्र ये है कि वह शौचालय के बिना घर में रहने से इनकार कर देती है और केशव सच्ची भारतीय परंपरा में बुनियादी स्वच्छता के मुद्दों पर अपने चिड़चिड़े पिता का सामना करने से इनकार करते हैं। इसके बजाय वह जय को यहाँ पे निकटम्बा रेलवे स्टेशन पर लेकर जाते हैं ताकि वह ट्रेन में शौचालय का उपयोग कर सके, जो हर सुबह वहाँ रुकती है। दूसरी बार वह उसे एक पड़ोसी के घर में लेकर जाते हैं, वहाँ पे यहाँ तक कि गांव में जो है जो शूटिंग कर रही होती है फिल्म यूनिट से एक मोबाइल जो है शौचालय भी चुरा लिया गया था। लेकिन दोस्तों टॉयलेट एक प्रेम का था केवल जो है केशव और जया की निराश कहानी के बारे में नहीं है। ये फिल्म सिंह भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों एक मुख्यमंत्री जिसकी समस्या का समाधान सरकारी जो है कार्यालयों में शौचालय को बंद करना है ताकि उनके अधिकारियों को शौचालय न होने के दर्द का एहसास हो और लंबे लंबे जो है भाषण जो जनता की तुलना में कम प्रभावित हो। दोस्तों अंत में क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है बॉलीवुड जो है सोचता है कि बॉलीवुड ये सोचता है कि हर क्रांति समाचार चैनलों पर यहाँ पे गर्मा गर्म जो है बहस से होती है शुरुआत, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसलिए हमारे नायक अपना यानी कि समाधान ढूंढते हैं। फिल्म में पत्रकारों की भीड़ के बारे में हम बात कर ले तो अपनी कहानी को राष्ट्रीय सुर्खियों में रखी गई है। कलाकारों में से एक पेडनेकर रूखे और अजीब है, फिल्म में हर अवसर पर गंभीर भाषण देते हैं, लेकिन अभिनेता अक्षय कुमार अधिक जो है सीमित है क्योंकि अधिक जो है शांत तरीके से शौचालय सहित की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को औसत दर्जे की गहराई से उठाने के लिए पर्याप्त नहीं किया गया है। तो दोस्तों कुल मिला के इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी थी और ये मूवी 2017 की सबसे अधिक कमाई करने वाली चौथी फिल्म है। साथ ही साथ दोस्तों अक्षय कुमार के करियर में भी सबसे ज़्यादा कमाई इसी फिल्म ने किया है। दोस्तों कभी भी दुनिया को बदलने के लिए अच्छे इरादे होने चाहिए। अक्षय कुमार की फिल्म में अच्छे इरादे तो है क्योंकि टॉयलेट एक प्रेम कथा में नेक इरादों की वजह से फिल्म को बनाया गया था। हालांकि ये भारत का चेहरा जो है बदलने वाली फिल्म नहीं हो सकती है,
यहाँ पे निश्चिंत रूप से भारतीय सांस्कृतिक उसके और इसके अलावा हठ धर्मी जो है मूल्यों पर और यहाँ पे आधुनिक जो है समाज में बदलाव की आवश्यकता का एक स्वच्छ और विस्तृत जो है आत्मा निरीक्षण है। ये दुर्लभ जो है माध्यम हो सकता है जो एक जो है सामाजिक कारण लेती है और इसे बड़े पैमाने पर जो है संतोषजनक सिनेमाई अनुभव के रूप में प्रस्तुत करता है। कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव कस्बे की है जहां स्थान मथुरा और उसके आसपास में बसा हुआ एक गांव है, इसलिए पात्रों और उनके जो है लहजे और उनकी संस्कृति पर इस क्षेत्र का भारी प्रभाव पड़ा हुआ है। इस सेटिंग में जहाँ पे महिलाएं मुख्य रूप से कमजोर यानी कि कमजोर सेक्स होती है वहीं पे टॉयलेट एक अपरंपरागत जो है कहानी बताता है ये फिल्म, जहां एक वृद्ध कुंवारा एक युवा महिला के प्यार में पड़ जाता है यानी कि केशव अक्षय कुमार एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं। एक विशेष जो है रोमियो के रूप में शुरू होता है फिल्म जो एक मजबूत यानी कि पीड़ता सात्मक के साथ व्यवस्था में उसके पालन पोषण से पैदा हुई उसकी उग्रवादी आदतों से भरा हुआ है, लेकिन उस शाही और मुखर यह है कि भूमि पेडनेकर एक स्वतंत्रता महिला है जो एक अधिक उधार घर में पली बड़ी है। केशव उस लड़के के रूप में शुरू होता है जिसने अपनी जो है कुंडली में समस्याओं को दूर करने के लिए भैंसों से शादी कर ली है, लेकिन एक बार जब वह जय के प्यार में पड़ जाता है तो वह सामान्य यानी कि स्टॉकर रोमियो और सिंड्रो को अपना लेता है, जिसकी वजह से सुख रहा है कि टॉयलेट में इमोशंस जो है यानी कि इंटेलिजेंस है और हर मोड़ पर जय की आधुनिक जो है मानसिकता सवाल उठाई जा सकती है। और केशव को यहाँ पे फटकार भी लगाया जाता है कि आखिरकार वे शादी कर लेता तो है, लेकिन चीजें नाटकीय मोड़ लेती है जब जया को पता चलता है कि केशव के घर में शौचालय नहीं है। तो केशव के पिता जो है पंडित जी सुधीर पांडे अपने घर की सीमा के भीतर अद्भुत यानी कि शौचालय होने के सख्त खिलाफ है। टॉयलेट का लेखन जो है सामाजिक मजाकिया और पूरी तरह से जो है यानी कि व्यंग्यात्मक है। ये फिल्म जितनी ही कार्ड कॉमेडी वाली है उतनी ही अपरंपरागत जो है रोमांस से भरी हुई है। केशव और जय की प्रेम कहानी कथा में हमेशा अपना महत्व रखता है। उनका रोमांस फिल्म को इसके सबसे उदाता और शानदार क्षण देता है। टॉयलेट की कहानी के निष्पादन के साथ एकमात्र समस्या यह है कि ये कुछ ज्यादा ही देशभक्तिपूर्ण और सरल हो जाता है। ये सांस्कृतिक और धर्म की आड़ में प्रचलित की गई यानी कि हर धर्मी पर सटीक मिशन साधती है, लेकिन इसकी आलोचना कभी सूक्ष्म नहीं होती। ये थोड़ा क्रूर और अति जो शीर्ष यानी कि दृष्टिकोण फिल्म को उदारता होने का मौका देता है, जिसकी वजह से ये करना चाहिए कि फिल्म भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक जो है व्यवहार की शानदार प्रस्तुति देखने को मिलता है। कहानी का एक बड़ा हिस्सा जो कि जुगाड़ के लिए एक भारतीय की रुचि से संबंधित है, जहाँ पे हम ठोस समाधानों के बजाय समस्याओं के साथी उपहार के साथ जो है आते हैं। टॉयलेट और अधिक जो आकर्षक हो जाता है अगर इसके जो है कि अखियान में यानी कि अंतर्राष्ट्रवाद पर जो है ढीली गई होती तो। तो गाइस कहानी तो काफ़ी अच्छी है, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों जो बात बिल्कुल शानदार होती है वो अक्षय कुमार का एक प्रदर्शन है फिल्म में। ये उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक है और वह एक तेजतर्रार और आत्मविश्वासी कुंवारे से एक समर्पित पति बन जाते हैं फिल्म में। वह महिलाओं जो हल्के में लेने से इस फिल्म के अंदर उनका सम्मान करने तक जाते हैं, जो एक ऐसा हीरो है फिल्म में जो अपनी गलती स्वीकार करता है और फिर जो है बदलाव का फैसला करता है। अभिनेता अक्षय कुमार अपनी भूमिका में बस जो है अभूतपूर्वक है। दम के बारे में हम बात कर ले तो वो काफ़ी शानदार दम लगा के इस फिल्म के अंदर हईशा के बाद जो है भूमिका यानी कि भूमि पेडनेकर का ये फिल्म जो है दम लगा के हईशा के बाद जो है भूमि पेडनेकर की बड़े पर्दे पर एक आकर्षक जो अवतार में वापसी हुई थी इस फिल्म से, जबकि उसकी भूमिका उसकी पहली फिल्म के समान है। वह भूमिका में आत्मविश्वास और ऊर्जा की भावना लाती है। साथ ही साथ दोस्तों दोनों की केमिस्ट्री टॉयलेट एक प्रेम कथा में सबसे अच्छी चीजों में से एक है। दिव्येंदु के बारे में हम बात कर ले तो दिव्येंदु शर्मा ने केशव के भाई सह दोस्त की भूमिका निभाई है। उनका प्रदर्शन इतना शानदार है कि आप उन्हें टॉयलेट के एक अधिकांश फ्रेम की पृष्ठभूमि में जादुई चीजें करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों अब टॉयलेट एक प्रेम कथा एक मजबूत जो है सामाजिक संदेश के साथ एक ठोस मनोरंजन फिल्म है जो
हो सकता है कि इसमें सबसे जो है परिष्कृत जो है पद का था न हो, लेकिन निर्देशक श्री नारायण सिंह की इस विषय को चतुराई से संभालने की कला इसके नेक इरादों का सबसे अधिक जो है फायदा उठाता है। ये चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी एक ही मजबूत जो है मामला बना हुआ, जो आकर्षक यानी कि संवादों और स्मार्ट किरदारों और उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन वाली फिल्म है, और ये एक स्वच्छ और प्रशंसित जो है मनोरंजन फिल्म है। इसने काफी बेहतरीन कमाई की थी 2017 के अंदर। आइए दोस्तों आप सीधी कहानी को यहाँ पे रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपने गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों की आड़ में खुले में शौच करने जाते हैं। वहां पे केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है फिल्म में, क्योंकि उसके पिता पंडित विमल नाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है, और उनका मानना है कि उनके बेटे की काला भय से शादी के बाद जो है केशव के भाग्य को सुधारने में मदद मिलेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलते हैं, उसके प्यार में पड़ जाते हैं और आखिरकार उससे शादी करने के लिए मना लेते हैं उसे। हालांकि केशव के पिता का विचार यह है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह उसी लड़की से शादी कर सकता है इनके हाथ में 6-2 अंगूठे हो, क्योंकि यहाँ पे जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। इसकी वजह से केशव ने एक कीर्तिमान जो है अंगूठा बनवाया है उसके लिए और इसे जया को देता है, जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठे के रूप में पहनती है। केशव के यहाँ पे बेपरवाह पिता उनकी शादी के लिए फिर राजी हो जाते हैं। देखने के बाद केशव के घर में अपनी पहली जो है सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस भी आ जाती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जय को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार कोशिश के बावजूद जया अडिग रहती है अपनी जिद पे। वह समस्याओं को हल करने के लिए कुछ जो अस्थायी समायोजित जो है करता है। पहले दोस्तों उसे एक पड़ोसी के घर में लेके जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर एक पड़ी हुई बुजुर्ग जो है एक बड़ी बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल जो है टॉयलेट बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों ये दिखाया गया है कि एक ट्रेन में जो गांव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, जहां पे वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बना यानी कि रहा है, लेकिन उस समय बाद जो है एक दिन आता है जब शौचालय में वो बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चला जाता है कहीं, और परेशान होकर निराश होकर जय केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अब वापस तो अपने घर चली जाती है, लेकिन अब यहाँ केशव के पास वो आना नहीं चाहती, और दोस्तों आने के बजाय वो बोलती है कि तुम पहले अपने घर में शौच बनाओ वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपने सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित जो है नियामक पदाधिकार से संपर्क करते हैं और अपने सामने वाले वार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करते हैं। जब निर्माण जो है समाप्त हो जाता है उसके बाद केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि दोस्तों केशव अभी भी सो रहा है, लेकिन शौचालय के पूरे तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। इसके बाद दोस्तों जया अब तलाक के लिए फाइल कर चुकी है। तलाक के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। इसके बाद केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित जो है सरकारी विभाग जो है हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने के अपने फैसले पर अडिग है। जब तक कि वह एक दिन जो है उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय जो है दरवाजे पर गिर जाती है, उसके बाद दोस्तों उसके कूल्हे में चोट लग जाता है और वह जोर से रोने लगती है कि वह असंभव जो है चलकर घर तक नहीं जा सकती शौच के लिए खेत, और यह है कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते के साथ जो है अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय में मदद करते हैं। तब जो है उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर के भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है।
दोस्तों केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक जो है नोटिस मिलता है। इसमें न्यायाधीश से आग्रह किया गया है कि वह उनके तलाक को मंजूर न करे, क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल खुशी से एक साथ जो है बाहर आते हैं। केशव के पिता जया से माफी मांगते हैं, उसके जीत के लिए माफी मांगते हैं। अंत में क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर जो है मोबाइल और शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। बात करें मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी 2013 में ही सामने आ गया था। ये फिल्म 2013 की हिंदी फिल्म जो है गोलियों की रासलीला रामलीला के लेखक सिद्धार्थ सिंह और गरिमा वहल द्वारा लिखित की गई थी, और ये एक सच्ची घटना के साथ कुछ समानताएं साझा करता है। फिल्म जिसमें 19 वर्षीय प्रियंका भारती 2012 में अपने पति के घर से भाग गई थी जब शौचालय उनके घर में नहीं था। तब फिल्म में अंतिम क्रेडिट से पहले जो है टॉयलेट में उल्लेख किया गया था कि ये मध्य प्रदेश की अनीता नर्र की कहानी पर आधारित है, जिसने अपने पति शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वहाँ शौचालय नहीं था। फिल्म निर्माता जो है प्रवीण वैस ने निर्माताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें जो है दावा किया गया था कि टॉयलेट एक प्रेम कथा ने इस विषय पर आधारित जो है उनकी डॉक्यूमेंट्री मनाने के लिए दृश्यों और संवादों के निकल है, जिसकी वजह से स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ावा देने का एक अच्छा प्रयास बताया था। दिसंबर 2017 में बिल गेट्स ने टॉयलेट एक प्रेम कथा को 2017 में हुई 6 जो है सकारात्मक चीजों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। अभिनेता कुमार ने फिल्म के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में एक शौचालय खोदा था, और फिल्म का ट्रेलर 11 जून 2013 को जारी किया गया था सबसे पहले। इसके बाद दोस्तों रिव्यू करते हुए समीक्षा करते हुए एग्रीगेटर वेबसाइट टोरेंट टोमेटोज पर टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को 11 समीक्षकों के आधार पर 10 में से 5 स्टार मिली थी। इसके अलावा दोस्तों 27 अनुमोद रेटिंग दिया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और कहा, निर्देशक श्री नारायण सिंह जो है समाज को एक आईना दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारे जो है अंधविश्वासी ग्रामीणों असली आसानी से आलसी प्रशासन और भ्रष्ट जो है राजनेताओं ने वास्तव में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा देश बना दिया है गंदगी से। यहाँ फैंस ये चीज आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस फिल्म को रिव्यू करते हुए फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिया गया और समीक्षा जो है समाप्त की, और ये कहते हुए कि कुल मिलाकर शौचालय एक प्रेम का था कमियों के बावजूद जो है मनोरंजन के साथ एक मजबूत सामाजिक संदेश को आश्चर्यजनक रूप से एकीकृत करता है और समाज में कई पुराने जो है प्रथाओं पर भी सवाल उठाता है। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने मूवी को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी और कहा, टॉयलेट एक प्रेम कथा एक मजबूत सामाजिक संदेश के साथ एक ठोस मनोरंजन फिल्म है। इस फिल्म में सबसे जो है पॉलिश किए गए स्क्रीन प्ले नहीं हो सकता है, लेकिन निर्देशक श्री नारायण सिंह की इस विषय को चतुराई से संभालने से इसके नेक इरादों का सबसे अधिक जो है फायदा होता है। न्यूज 18 की तरफ से इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया गया था, और दोस्तों उन्होंने अपने रिव्यू में कहा है कि ये स्पष्ट होता है कि फिल्म का दिल सही जगह पर है, लेकिन जबरदस्त जो है पेंट रिंग का थकाव हो जाती है। अक्षय कुमार बिल्कुल जो है सही मात्रा में लेवी लाते हैं, और भूमि पेडनेकर के बारे में हम बात कर ले तो चमकती है अपने कैरेक्टर में, ये मैला लेखन है। लेकिन जहाँ पे आपको बता दे टॉयलेट एक प्रेम कथा में क्षमता थी, लेकिन वहीं पे केवल जो है इनके छिटपुट रूप से मनोरंजन फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा कि एक प्रेम कथा टॉयलेट एक प्रेम कथा भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का इतना गंभीरता से समर्थन करती है कि एक बिंदु के बाद ये शुरू होता है जहां विद्या बालन अभिनीत की गई प्रियंका भारती के विज्ञापन की तरह दिखने के लिए द हिंदू के लिए लिखते हुए नम्रता जोशी ने कहा था, जबकि कुछ जो क्षमता अंत तक खोई हुई थी पहली छमाई में दिखाई देती है, क्योंकि फिल्म का दूसरा भाग एक में समाप्त होता है, जिसकी वजह से टोटल आपको बता दें मेजर फर्स्ट पोस्ट के अन्ना MM ने ये कहते हुए
इसे 1.5 स्टार दिया कि टॉयलेट एक प्रेम कथा की तरह शादी हुई एक प्रेम कथा है कि यहाँ पे माइंस स्टॉकिंग और इसके अलावा जो है इस फिल्म के अंदर यानी कि चमचागिरी यह है कि एक अच्छी फिल्म हो सकती थी, जो कि सैबल चटर्जी ने इस फिल्म को रिव्यू करते हुए इन्होंने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त थी, जिसकी वजह से फिल्म ने काफ़ी शानदार कमाई किया था 2017 में। तो गाइस ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने किया है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार उनके अलावा भूमि पेडनेकर और इस फिल्म में दिव्यांशु शर्मा अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। दोस्तों ये फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक जो है भावनाओं के कारण ये फिल्म में एक अलग चीज दिखाया गया है, जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत सारे जगहों पे टॉयलेट देखने को नहीं मिलता है, उसी चीज को इस फिल्म में दिखाया गया है। एक साथ दोस्तों इस फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात करें तो दोस्तों अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अभिनय करते हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों ये फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के अभियानों के साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच के अनुमूलन पर जोर देने के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। दोस्तों ये फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक जो है भावनाओं के कारण होती है, जो गांव में अभी भी बहुत सारे जगहों पे टॉयलेट देखने को नहीं मिलता है। यही वजह था इस फिल्म को बनाने का, जो दिखाया गया फिल्म में कि कैसे एक के टॉयलेट ना होने की वजह से एक के औरत जो है बहुत परेशान होती है और वो अपने पति से फाइल कर लेती है तलाक के लिए। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी ये मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, जो महिलाओं को बहुत ज्यादा निराश करता है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न का भी कारण बनता है ये चीज। तो इस फिल्म को शूटिंग करने के बाद मध्य प्रदेश की अनीता नरे की सच्ची कहानी पर इस फिल्म की कहानी आधारित है ये हमें बताया गया था। ये दोस्तों उनकी कहानी के बारे में भी हम जान लेते हैं। इसने अपने पति शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह शौचालय नहीं था, इसी चीज को लेकर फिल्म को बनाया गया था। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को 11 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला था। दोस्तों खास करके फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट की मुख्य अभिनेताओं की पटकथा और प्रदर्शन के लिए इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी। और दोस्तों ये फिल्म घरेलू स्तर पर और साथ ही साथ विदेशों में भी विशेष रूप से सच्ची में एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी, और ये फिल्म अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और दुनिया भर में भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म है। दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म ने 311 करोड़ से अधिक की कमाई किया था इस फिल्म ने, जो चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के अवार्ड के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को सीधे 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 3 नामांकन प्राप्त हुए थे इस फिल्म के लिए। आइए दोस्तों अब इस मूवी की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करते हैं कि इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला था रिलीज होने के बाद। सबसे पहले दोस्तों बता दें पूर्व मुख्य चुनाव के बाद जो है जिन्हें भारत में चुनाव को साफ सुथरा बनाने में मदद करने का श्रेय दिया था इस मूवी ने। इसी के साथ दोस्तों प्रसिद्ध रूप से सरकारी जो है समितियों की तुलना में और शौचालय की यात्रा की ये एक कहानी को बताया गया है। यात्रा की ये कहते हुए कि लोग जो है बिना कुछ किए लंबे समय तक जो है बैठे रहते हैं, इसकी वजह से श्री नारायण सिंह की शौचालय एक प्रेम कथा एक सरकारी समिति जितनी जो है दिलचस्प लगती है ये फिल्म। दोस्तों ये फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के लिए कुछ प्रचार स्टंट और आंशिक रूप से प्रेम कहानी के साथ एक व्यक्ति के अपनी जो है पत्नी के लिए शौचालय बनाने की मिशन के बारे में बताता है। यह वास्तव में एक फिल्म होनी चाहिए थी कि कैसे भारत में वयस्क जो है पुरुष अभी भी अपने माता पिता की
सदियों पुरानी जो है मान्यताओं को और प्रतिगामी के साथ जो है परंपराओं का सम्मान करने के लिए रीढ़ नहीं खोज सकते हैं। इसके बाद दोस्तों केशव यानी कि अक्षय कुमार फिल्म के लिए अपने रूढ़िवादी पिता की अपेक्षाओं के कारण पत्नी को ढूंढना लगभग जो है असंभव हो गया है, जिनमें से एक या फिर जो है एक यह कि दुल्हन के दो अंगूठे होने चाहिए, यानी कि ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। उनके पिता का ये कहना है कि मैं उस लड़की से विवाह करूंगा जिसके पास दो अंगूठे होने चाहिए। समृद्धि का संकेत ये है, जहाँ पे जय के लिए मुश्किल ये होता है और वहाँ पे अंत तक उससे शादी कर लेते हैं जय से, यहाँ तक कि दोस्तों मिट्टी से उसके लिए एक अतिरिक्त अंगूठा भी बनवा लेते हैं, लेकिन जब वह उसे छोड़ देती है तो यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है और वजह यह है कि उनके घर में शौचालय नहीं है। तो दोस्तों केशव को अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए बिल्ली पाँव बंद करना चाहिए और एक जो है रास्ता निकालना चाहिए। फिल्म में भारत में खुले में शौच एक गंभीर समस्या है, जहाँ आधी से अधिक आबादी के पास शौचालय नहीं है, लेकिन सिंह इस मुद्दे को सबसे निराश और साधारण तरीके से सुलझाते हुए फिल्म को बनाया है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है कि कैसे शौच जो है कितनी जरूरी होती है एक घर में। जया स्कूल में अव्वल और एक ऐसी लड़की है जो भारतीय है, लेकिन यहाँ पे पश्चिमी सोचती है, फिर भी वह उन जो है विशेषताओं को प्रदर्शित करती है जो उसकी तथा कथित मुक्त सोच के विपरीत है। जब केशव उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं और उसकी अनुमति के बिना उसकी जो है तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, तो वह एक मिली सेकेंड के लिए गुस्सा होने का नाटक करती है इससे पहले कि वह उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए। तो दोस्तों फिल्म की कहानी में आपको तो अच्छी कहानी देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म से ये भी मैसेज दिया गया है कि एक घर में कम से कम एक टॉयलेट तो बनाओ, जिसकी वजह से आपके घर की जो महिलाएं हैं वो अपने घर में सुरक्षित रहे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि शुक्र ये है कि वह शौचालय के बिना घर में रहने से इनकार कर देती है और केशव सच्ची भारतीय परंपरा में बुनियादी स्वच्छता के मुद्दों पर अपने चिड़चिड़े पिता का सामना करने से इनकार करते हैं। इसके बजाय वह जय को यहाँ पे निकटम्मा रेलवे स्टेशन पर लेकर जाते हैं ताकि वह ट्रेन में शौचालय का उपयोग कर सके, जो हर सुबह वहाँ रुकती है। दूसरी बार वह उसे एक पड़ोसी के घर में लेकर जाते हैं, वहाँ पे यहाँ तक कि गांव में जो है जो शूटिंग कर रही होती है फिल्म यूनिट से एक मोबाइल जो है शौचालय भी चुरा लिया गया था। लेकिन दोस्तों टॉयलेट एक फिल्म का था केवल जो है केशव और जया की निराश कहानी के बारे में नहीं है। ये फिल्म सिंह भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों एक मुख्यमंत्री जिसकी समस्या का समाधान सरकारी जो है कार्यालयों में शौचालय को बंद करना है ताकि उनके अधिकारियों को शौचालय न होने के दर्द का एहसास हो और लंबे लंबे जो है भाषण जो जनता की तुलना में कम प्रभावित हो। दोस्तों अंत में क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है बॉलीवुड जो है सोचता है कि बॉलीवुड ये सोचता है कि हर क्रांति समाचार चैनलों पर यहाँ पे गर्मा गर्म जो है बहस से होती है शुरुआत, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसलिए हमारे नायक अपना यानी कि समाधान ढूंढते हैं। फिल्म में पत्रकारों की भीड़ के बारे में हम बात कर ले तो अपनी कहानी को राष्ट्रीय सुर्खियों में रखी गई है। कलाकारों में से एक पेडनेकर रूखे और अजीब है, फिल्म में हर अवसर पर गंभीर भाषण देते हैं, लेकिन अभिनेता अक्षय कुमार अधिक जो है संयमित है क्योंकि अधिक जो है शांत तरीके से शौचालय शहीद की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को औसत दर्जे की गहराई से उठाने के लिए पर्याप्त नहीं किया गया है। तो दोस्तों कुल मिला के इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी थी और ये मूवी 2017 की सबसे अधिक कमाई करने वाली चौथी फिल्म है, साथ ही साथ दोस्तों अक्षय कुमार के करियर में भी सबसे ज़्यादा कमाई इसी फिल्म ने किया है। दोस्तों कभी भी दुनिया को बदलने के लिए अच्छे इरादे होने चाहिए, अक्षय कुमार की फिल्म में अच्छे इरादे तो है क्योंकि टॉयलेट एक फिल्म का था में नेक इरादों की वजह से फिल्म को बनाया गया था। हालांकि ये भारत का चेहरा जो है बदलने वाली फिल्म नहीं हो सकती है, यहाँ पे निश्चित रूप से भारतीय सांस्कृतिक उसके और इसके अलावा हट धर्मी जो है मूल्यों पर और यहाँ पे आधुनिक जो है समाज में बदलाव की आवश्यकता का एक स्वच्छ और विस्तृत जो है आत्मा निरीक्षण है। ये दुर्लभ जो है माध्यम हो सकता है जो एक जो है सामाजिक कारण लेती है और इसे बड़े पैमाने पर जो है संतोषजनक सिनेमाई अनुभव के रूप में प्रस्तुत करता है। कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव कस्बे की है, जहां स्थान मथुरा और उसके आसपास में बसा हुआ एक गांव है।
इसलिए पात्रों और उनके जो है लहजे और उनकी संस्कृति पर इस क्षेत्र का भारी प्रभाव पड़ा हुआ है। इस सेटिंग में जहाँ पे महिलाएं मुख्य रूप से कमजोर यानी कि कमजोर सेक्स होती है, वहीं पे टॉयलेट एक अपरंपरागत जो है कहानी बताता है ये फिल्म, जहां एक वृद्ध कुंवारा एक युवा महिला के प्यार में पड़ जाता है, यानी कि केशव अक्षय कुमार एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं। एक विशेष जो है रोमियो के रूप में शुरू होता है फिल्म, जो एक मजबूत यानी कि पीड़ता शात्मक के साथ व्यवस्था में उसके पालन पोषण से पैदा हुई उसकी उग्रवादी आदतों से भरा हुआ है, लेकिन उस शाही और मुखर यह है कि भूमि पेडनेकर एक स्वतंत्रतम महिला है जो एक अधिक उधार घर में पली बड़ी है। केशव उस लड़के के रूप में शुरू होता है जिसने अपने जो है कुंडली में समस्याओं को दूर करने के लिए भैंसु से शादी कर ली है, लेकिन एक बार जब वह जय के प्यार में पड़ जाता है तो वह सामान्य यानी कि स्टॉपर रोमियो और सिंड्रो को अपना लेता है, जिसकी वजह से सुख यह है कि टॉयलेट में इमोशंस जो है यानी कि इंटेलिजेंस है और हर मोड़ पर जय की आधुनिक जो है मानसिकता सवाल उठाई जा सकती है। और केशव को यहाँ पे फटकार भी लगाया जाता है कि आखिरकार वे शादी कर लेता तो है, लेकिन चीजें नाटकीय मोड़ लेती है जब जया को पता चलता है कि केशव के घर में शौचालय नहीं है। तो केशव के पिता जो है पंडित जी सुधीर पांडे अपने घर की सीमा के भीतर अद्भुत यानी कि शौचालय होने के सख्त खिलाफ है। टॉयलेट का लेखन जो है सामाजिक मजाकिया और पूरी तरह से जो है यानी कि व्यंग्यात्मक है। ये फिल्म जितनी ही कार्ड कॉमेडी वाली है उतनी ही अपरंपरागत जो है रोमांस से भरी हुई है। केशव और जय की प्रेम कहानी कथा में हमेशा अपना महत्व रखता है। उनका रोमांस फिल्म को इसके सबसे उदाता और शानदार क्षण देता है। टॉयलेट की कहानी के निष्पादन के साथ एकमात्र समस्या यह है कि ये कुछ ज्यादा ही देशभक्तिपूर्ण और सरल हो जाता है। ये सांस्कृतिक और धर्म की आर में प्रचालित की गई यानी कि हर धर्मी पर सटीक मिशन साधती है, लेकिन इसकी आलोचना कभी सूक्ष्म नहीं होती। ये थोड़ा क्रूर और अति जो शीर्ष यानी कि दृष्टिकोण फिल्म को उदारता होने का मौका देता है, जिसकी वजह से ये करना चाहिए कि फिल्म भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक जो है व्यवहार की शानदार प्रस्तुति देखने को मिलता है। कहानी का एक बड़ा हिस्सा जो कि जुगाड़ के लिए एक भारतीय की रुचि से संबंधित है, जहाँ पे हम ठोस समाधानों के बजाय समस्याओं के साथी उपहार के साथ जो है आते हैं, टॉयलेट और अधिक जो आकर्षक हो जाता है अगर इसके जो है इनकी अखियान में यानी कि अंतरराष्ट्रवाद पर जो है ढीली गई होती। तो गाइस कहानी तो काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों जो बात बिल्कुल शानदार होती है वो अक्षय कुमार का एक प्रदर्शन है फिल्म में। ये उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक है और वह एक तेजतर्रार और आत्मविश्वासी कुंवारे से एक समर्पित पति बन जाते हैं फिल्म में। वह महिलाओं जो हल्के में लेने से इस फिल्म के अंदर उनका सम्मान करने तक जाते हैं, जो एक ऐसा हीरो है फिल्म में जो अपनी गलती स्वीकार करता है और फिर जो है बदलाव का फैसला करता है। अभिनेता अक्षय कुमार अपनी भूमिका में बस जो है अभूतपूर्वक है। दम के बारे में हम बात कर ले तो वो काफ़ी शानदार दम लगा के इस फिल्म के अंदर हईसा के बाद जो है भूमिका यानी कि भूमि पेडनेकर का ये फिल्म जो है दम लगा के हईसा के बाद जो है भूमि पेडनेकर की बड़े पर्दे पर एक आकर्षक जो अवतार में वापसी हुई थी इस फिल्म से, जबकि उसकी भूमिका उसकी पहली फिल्म के समान है। वह भूमिका में आत्मविश्वास और ऊर्जा की भावना लाती है। साथ ही साथ दोस्तों दोनों की केमिस्ट्री टॉयलेट एक प्रेम कथा में सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है। दिव्येंदु के बारे में हम बात कर ले तो दिव्येंदु शर्मा ने केशव के भाई सह दोस्त की भूमिका निभाई है। उनका प्रदर्शन इतना शानदार है कि आप उन्हें टॉयलेट के एक अधिकांश फ्रेम की पृष्ठभूमि में जादुई चीजें करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों अब टॉयलेट एक प्रेम कथा एक ही मजबूत जो है सामाजिक संदेश के साथ एक ठोस मनोरंजन फिल्म है, जो हो सकता है कि इसमें सबसे जो है परिष्कृत जो है पटकथा न हो, लेकिन निर्देशक श्री नारायण सिंह की इस विषय को चतुराई से
संभालने की कला इसके नेक इरादों का सबसे अधिक जो है फायदा उठाता है। ये चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी एक मजबूत जो है मामला बना हुआ है, जो आकर्षक यानी कि संवादों और स्मार्ट किरदारों और उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन वाली फिल्म है, और ये एक स्वच्छ और प्रशंसित जो है मनोरंजन फिल्म है। इसने काफी बेहतरीन कमाई की थी 2017 के अंदर। आइए दोस्तों अब सीधी कहानी को यहाँ पे रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपने गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों की आड़ में खुले में शौच करने जाते हैं। वहाँ पे केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है फिल्म में, क्योंकि उसके पिता पंडित विमल नाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है, और उनका मानना है कि उनके बेटे की काला भैंस से शादी के बाद जो है केशव के भाग्य को सुधारने में मदद मिलेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलते हैं, उसके प्यार में पड़ जाते हैं और आखिरकार उससे शादी करने के लिए मना लेते हैं उसे। हालांकि केशव के पिता का विचार यह है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह उसी लड़की से शादी कर सकता है जिनके हाथ में 6-2 अंगूठे हो, क्योंकि यहाँ पे जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। इसकी वजह से केशव ने एक कीर्तिमान जो है अंगूठा बनवाया है उसके लिए और इसे जया को देता है, जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठे के रूप में पहनती है। केशव के यहाँ पे बेपरवाह पिता उनकी शादी के लिए फिर राजी हो जाते हैं। देखने के बाद केशव के घर में अपनी पहली जो है सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस भी आ जाती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार कोशिश के बावजूद जया अडिग रहती है अपनी जिद पे। वह समस्याओं को हल करने के लिए कुछ जो अस्थायी समायोजित जो है करता है। पहले दोस्तों उसे एक पड़ोसी के घर में लेके जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर एक पड़ी हुई बुजुर्ग जो है एक पड़ी बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल जो है टॉयलेट बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों ये दिखाया गया है कि एक ट्रेन में जो गांव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, जहां पे वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बना यानी कि रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जो है एक दिन आता है जब शौचालय में वो बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चला जाता है कहीं, और परेशान होकर निराश होकर जय केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अब वापस तो अपने घर चली जाती है, लेकिन अब यहाँ केशव के पास वो आना नहीं चाहती, और दोस्तों आने के बजाय वो बोलती है कि तुम पहले अपने घर में शौच बनाओ वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब गांव में शौचालय बनाने के लिए अपने सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित जो है नियामक पदाधिकारी से संपर्क करते हैं और अपने सामने वाले वार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करते हैं। जब निर्माण जो है समाप्त हो जाता है उसके बाद केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि दोस्तों केशव अभी भी सो रहा है, लेकिन शौचालय के पूरे तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह टूटने से बचा लेता है। इसके बाद दोस्तों जया अब तलाक के लिए फाइल कर चुकी है। तलाक के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। इसके बाद केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित जो है सरकारी विभाग जो है हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने के अपने फैसले पर अडिग है। जब तक कि वह एक दिन जो है उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय जो है दरवाजे पर गिर जाती है, उसके बाद दोस्तों उसके कूल्हे में चोट लग जाता है और वह जोर से रोने लगती है कि वह असंभव जो है चलकर घर तक नहीं जा सकती शौच के लिए खेत, और यह है कि उसे केशव धारा सामने वाले अहाते के साथ जो है अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय में मदद करते हैं। तब जो है उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर के भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती है। दोस्तों केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक जो है नोटिस मिलता है। इसमें न्यायाधीश से आग्रह किया गया है कि वह उनके तलाक को मंजूर न करे, क्योंकि अगले दिन से
उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल खुशी से एक साथ जो है बाहर आते हैं। केशव के पिता जया से माफी मांगते हैं, उसके जीत के लिए माफी मांगते हैं। अंत में क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर जो है मोबाइल और शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों ये कहानी 2013 में ही सामने आ गया था। ये फिल्म 2013 की हिंदी फिल्म जो है गोलियों की रासलीला रामलीला के लेखक सिद्धार्थ सिंह और गरिमा वहल द्वारा लिखित की गई थी और ये एक सच्ची घटना के साथ कुछ समानताएं साझा करता है। फिल्म जिसमें 19 वर्षीय प्रियंका भारती 2012 में अपने पति के घर से भाग गई थी जब शौचालय उनके घर में नहीं था। तब फिल्म में अंतिम क्रेडिट से पहले जो है टॉयलेट में उल्लेख किया गया था कि ये मध्य प्रदेश की अनीता नर्र की कहानी पर आधारित है, जिसने अपने पति शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वहां शौचालय नहीं था। फिल्म निर्माता जो है प्रवीण वैश ने निर्माताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें जो है दावा किया गया था कि टॉयलेट एक प्रेम कथा ने इस विषय पर आधारित जो है उनकी डॉक्यूमेंट्री मनाने के लिए दृश्यों और संवादों के निकल है, जिसकी वजह से स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ावा देने का एक अच्छा प्रयास बताया था। दिसंबर 2017 में बिल गेट्स ने टॉयलेट एक प्रेम कथा को 2017 में हुई 6 जो है सकारात्मक चीजों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। अभिनेता कुमार ने फिल्म के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में एक शौचालय खोदा था और फिल्म का ट्रेलर 11 जून 2013 को जारी किया गया था सबसे पहले। इसके बाद दोस्तों समीक्षा करते हुए एग्रीगेटर वेबसाइट टोरेंट टोमेटोज पर टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को 11 समीक्षकों के आधार पर 10 में से 5 पे स्टार मिली थी। इसके अलावा दोस्तों 27 अनुमोदन रेटिंग दिया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और कहा, निर्देशक श्री नारायण सिंह जो है समाज को एक आईना दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारे जो है अंधविश्वासी ग्रामीणों असली आसानी से आलसी प्रशासन और भ्रष्ट जो है राजनेताओं ने वास्तव में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा देश बना दिया है गंदगी से। यहाँ फ्रेंड्स ये चीज आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस फिल्म को रिव्यू करते हुए फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिया गया और समीक्षा जो है समाप्त की और ये कहते हुए कि कुल मिलाकर शौचालय एक प्रेम कथा कमियों के बावजूद जो है मनोरंजन के साथ एक मजबूत सामाजिक संदेश को आश्चर्यजनक रूप से एकीकृत करता है और समाज में कई पुरानी जो है प्रथाओं पर भी सवाल उठाता है। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने मूवी को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी और कहा, टॉयलेट एक प्रेम कथा एक मजबूत सामाजिक संदेश के साथ एक ठोस मनोरंजन फिल्म है। इस फिल्म में सबसे जो है पॉलिश किए गए स्क्रीन प्ले नहीं हो सकता है, लेकिन निर्देशक श्री नारायण सिंह की इस विषय को चतुराई से संभालने से इसके नेक इरादों का सबसे अधिक जो है फायदा होता है। न्यूज 18 के तरफ से इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया गया था और दोस्तों उन्होंने अपने रिव्यू में कहा है कि ये स्पष्ट होता है कि फिल्म का दिल सही जगह पर है, लेकिन जबरदस्त जो है पेंट रिंग का थकाऊ हो जाती है। अक्षय कुमार बिल्कुल जो है सही मात्रा में लेवी लाते हैं और भूमि पेडनेकर के बारे में हम बात कर ले तो चमकती है अपने कैरेक्टर में। ये मैला लेखन है, लेकिन जहाँ पे आपको बता दे टॉयलेट एक प्रेम कथा में क्षमता थी, लेकिन वहीं पे केवल जो है कि छिटपुट रूप से मनोरंजन फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा कि एक प्रेम कथा टॉयलेट एक प्रेम कथा भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का इतना गंभीरता से समर्थन करती है कि एक बिंदु के बाद ये शुरू होता है जहां विद्या बालन अभिनीत की गई प्रियंका भारती के विज्ञापन की तरह दिखने के लिए द हिंदू के लिए लिखते हुए नम्रता जोशी ने कहा था, जबकि कुछ जो क्षमता अंत तक खोई हुई थी पहली छमाई में दिखाई देती है क्योंकि फिल्म का दूसरा भाग एक में समाप्त होता है, जिसकी वजह से टोटल आपको बता दें मेजर फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम ने ये कहते हुए इसे 1.5 स्टार दिया कि टॉयलेट एक प्रेम कथा की दर्शाती हुई एक प्रेम कथा है कि यहाँ पे माइंस स्टॉकिंग और इसके अलावा जो है इस फिल्म के अंदर
यानी कि चमचागिरी यह की एक अच्छी फिल्म हो सकती थी, जो कि सैवल चटर्जी ने इस फिल्म को रिव्यू करते हुए इन्होंने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म की कहानी काफी जबरदस्त थी, जिसकी वजह से फिल्म ने काफी शानदार कमाई किया था 2017 में। तो गाइस ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने किया है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सुपर स्टार अक्षय कुमार, उनके अलावा भूमि पेडनेकर और इस फिल्म में दिव्यांशु शर्मा अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। दोस्तों ये फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक जो है भावनाओं के कारण ये फिल्म में एक अलग चीज दिखाया गया है, जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत सारे जगहों पे टॉयलेट देखने को नहीं मिलता है, उसी चीज को इस फिल्म में दिखाया गया है। एक साथ दोस्तों इस फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात करें तो दोस्तों अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अभिनय करते हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों ये फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के अभियानों के साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच के उन्मूलन पर जोर देने के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। दोस्तों ये फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक जो भावनाओं के कारण होती है, जो गाँव में अभी भी बहुत सारे जगहों पर टॉयलेट देखने को नहीं मिलता है। यही वजह था इस फिल्म को बनाने का, जो दिखाया गया फिल्म में कि कैसे एक के टॉयलेट ना होने की वजह से एक औरत जो है बहुत परेशान होती है और वो अपने पति से फाइल कर लेती है तलाक के लिए। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी ये मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, जो महिलाओं को बहुत ज्यादा निराश करता है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न का भी कारण बनता है ये चीज। तो इस फिल्म को शूटिंग करने के बाद मध्य प्रदेश की अनीता नरे की सच्ची कहानी पर इस फिल्म की कहानी आधारित है, ये हमें बताया गया था। ये दोस्तों उनकी कहानी के बारे में भी हम जान लेते हैं। इसने अपने पति शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह शौचालय नहीं था। इसी चीज को लेकर फिल्म को बनाया गया था। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को 11 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला था। दोस्तों खास करके फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट की मुख्य अभिनेताओं की पटकथा और प्रदर्शन के लिए इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी। और दोस्तों ये फिल्म घरेलू स्तर पर और साथ ही साथ विदेशों में भी विशेष रूप से सच्ची में एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी, और ये फिल्म अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, और दुनिया भर में भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पांचवी फिल्म है। दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म ने 311 करोड़ से अधिक की कमाई किया था इस फिल्म ने, जो चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के अवार्ड के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को सीधे 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 3 नामांकन प्राप्त हुए थे इस फिल्म के लिए। आइए दोस्तों अब इस मूवी की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करते हैं कि इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला था रिलीज होने के बाद। सबसे पहले दोस्तों बता दें, पूर्व मुख्य चुनाव के बाद जो है जिन्हें भारत में चुनाव को साफ सुथरा बनाने में मदद करने का श्रेय दिया था इस मूवी ने। इसी के साथ दोस्तों प्रसिद्ध रूप से सरकारी जो है समितियों की तुलना में और शौचालय की यात्रा की ये एक कहानी को बताया गया है। यात्रा की ये कहते हुए कि लोग जो है बिना कुछ किए लंबे समय तक जो है बैठे रहते हैं, इस वजह से श्री नारायण सिंह की शौचालय एक प्रेम कथा, एक सरकारी समिति जितनी जो है दिलचस्प लगती है ये फिल्म। दोस्तों ये फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के लिए कुछ प्रचार स्टंट और आंशिक रूप से प्रेम कहानी के साथ एक व्यक्ति के अपनी जो है पत्नी के लिए शौचालय बनाने की मिशन के बारे में बताता है। यह वास्तव में एक फिल्म होनी चाहिए थी कि कैसे भारत में वयस्क जो है पुरुष अभी भी अपने माता पिता की
सदियों पुराने जो है मान्यताओं को और प्रतिगामी के साथ जो है परंपराओं का सम्मान करने के लिए रीड नहीं खोज सकते हैं। इसके बाद दोस्तों केशव यानी कि अक्षय कुमार फिल्म के लिए अपने रूढ़िवादी पिता की अपेक्षाओं के कारण पत्नी को ढूंढना लगभग जो है असंभव हो गया है। इनमें से एक या फिर जो है एक यह है कि दुल्हन के दो अंगूठे होने चाहिए, यानी कि ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। उनके पिता का ये कहना है कि मैं उस लड़की से विवाह करूंगा जिसके पास दो अंगूठे होने चाहिए। समृद्धि का संकेत ये है, जहाँ पे जय के लिए मुश्किल ये होता है और वहाँ पे अंत तक उससे शादी कर लेते हैं जय से, यहाँ तक कि दोस्तों मिट्टी से उसके लिए एक अतिरिक्त अंगूठा भी बनवा लेते हैं, लेकिन जब वह उसे छोड़ देती है तो यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है और वजह यह है कि उनके घर में शौचालय नहीं है। तो दोस्तों केशव को अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए बिल्ली पाँव बंद करना चाहिए और एक जो है रास्ता निकालना चाहिए। फिल्म में भारत में खुले में शौच एक गंभीर समस्या है, जहां आधी से अधिक आबादी के पास शौचालय नहीं है, लेकिन सिंह इस मुद्दे को सबसे निराश और साधारण तरीके से सुलझाते हुए फिल्म को बनाया है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है कि कैसे शौच जो है कितनी जरूरी होती है एक घर में। जया स्कूल में अव्वल और एक ऐसी लड़की है जो भारतीय है, लेकिन यहाँ पे पश्चिमी सोचती है, फिर भी वह उन जो है विशेषताओं को प्रदर्शित करती है जो उसकी तथा कथित मुक्त सोच के विपरीत है। जब केशव उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं और उसकी अनुमति के बिना उसकी जो है तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, तो वह एक मिली सेकेंड के लिए गुस्सा होने का नाटक करती है इससे पहले कि वह उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए। तो दोस्तों फिल्म की कहानी में आपको तो अच्छी कहानी देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म से ये भी मैसेज दिया गया है कि एक घर में कम से कम एक टॉयलेट तो बनाओ, जिसकी वजह से आपके घर की जो महिलाएं हैं वो अपने घर में सुरक्षित रहे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि शुक्र ये है कि वह शौचालय के बिना घर में रहने से इनकार कर देती है और केशव सच्ची भारतीय परंपरा में बुनियादी स्वच्छता के मुद्दों पर अपने चिड़चिड़े पिता का सामना करने से इनकार करते हैं। इसके बजाय वह जय को यहाँ पे निकटम्मा रेलवे स्टेशन पर लेकर जाते हैं ताकि वह ट्रेन में शौचालय का उपयोग कर सके, जो हर सुबह वहाँ रुकती है। दूसरी बार वह उसे एक पड़ोसी के घर में लेकर जाते हैं, वहाँ पे यहाँ तक कि गांव में जो है जो शूटिंग कर रही होती है फिल्म यूनिट से एक मोबाइल जो है शौचालय भी चुरा लिया गया था। लेकिन दोस्तों टॉयलेट एक प्रेम का था केवल जो है केशव और जया की निराश कहानी के बारे में नहीं है। ये फिल्म सिंह भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों एक मुख्यमंत्री जिसकी समस्या का समाधान सरकारी जो है कार्यालयों में शौचालय को बंद करना है ताकि उनके अधिकारियों को शौचालय न होने के दर्द का एहसास हो और लंबे लंबे जो है भाषण जो जनता की तुलना में कम प्रभावित हो। दोस्तों अंत में क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है बॉलीवुड ये सोचता है कि हर क्रांति समाचार चैनलों पर यहाँ पे गर्मा गर्म जो है बहस से होती है शुरुआत, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसलिए हमारे नायक अपना यानी कि समाधान ढूंढते हैं। फिल्म में पत्रकारों की भीड़ के बारे में हम बात कर ले तो अपनी कहानी को राष्ट्रीय सुर्खियों में रखी गई है। कलाकारों में से एक पेडनेकर रूखे और अजीब है, फिल्म में हर अवसर पर गंभीर भाषण देते हैं, लेकिन अभिनेता अक्षय कुमार अधिक जो है संयमित है क्योंकि अधिक जो है शांत तरीके से शौचालय शहीद की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को औसत दर्जे की गहराई से उठाने के लिए पर्याप्त नहीं किया गया है। तो दोस्तों कुल मिला के इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी थी और ये मूवी 2017 की सबसे अधिक कमाई करने वाली चौथी फिल्म है, साथ ही साथ दोस्तों अक्षय कुमार के करियर में भी सबसे ज़्यादा कमाई इसी फिल्म ने किया है। दोस्तों कभी भी दुनिया को बदलने के लिए अच्छे इरादे होने चाहिए, अक्षय कुमार की फिल्म में अच्छे इरादे तो है क्योंकि टॉयलेट एक फिल्म का था में नेक इरादों की वजह से फिल्म को बनाया गया था। हालांकि ये भारत का चेहरा जो है बदलने वाली फिल्म नहीं हो सकती है, यहाँ पे निश्चित रूप से भारतीय सांस्कृतिक उसके और इसके अलावा हट धर्मी जो है मूल्यों पर और यहाँ पे आधुनिक जो है समाज में बदलाव की आवश्यकता का एक स्वच्छ और विस्तृत जो है आत्मा निरीक्षण है। ये दुर्लभ जो है माध्यम हो सकता है जो एक जो है सामाजिक कारण लेती है और इसे बड़े पैमाने पर जो है संतोषजनक सिनेमाई अनुभव के रूप में प्रस्तुत करता है। कहानी उत्तर प्रदेश के एक गाँव कस्बे की है, जहाँ स्थान मथुरा और उसके आसपास में बसा हुआ एक गांव है।
इसलिए पात्रों और उनके जो है लहजे और उनकी संस्कृति पर इस क्षेत्र का भारी प्रभाव पड़ा हुआ है। इस सेटिंग में जहाँ पे महिलाएं मुख्य रूप से कमजोर यानी कि कमजोर सेक्स होती है, वहीं पे टॉयलेट एक अपरंपरागत जो है कहानी बताता है ये फिल्म, जहां एक वृद्ध कुंवर एक युवा महिला के प्यार में पड़ जाता है, यानी कि केशव अक्षय कुमार एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं। एक विशेष जो है रोमियो के रूप में शुरू होता है फिल्म, जो एक मजबूत यानी कि पीड़ता शात्मक के साथ व्यवस्था में उसके पालन पोषण से पैदा हुई उसकी उग्रवादी आदतों से भरा हुआ है। लेकिन उस शाही और मुखर यह है कि भूमि पेडनेकर एक स्वतंत्रता महिला है जो एक अधिक उधार घर में पली बड़ी है। ये सब उस लड़के के रूप में शुरू होता है जिसने अपने जो है कुंडली में समस्याओं को दूर करने के लिए भैंसों से शादी कर ली है। लेकिन एक बार जब वह जैक के प्यार में पड़ जाता है तो वह सामान्य यानी कि स्टॉकर रोमियो और सिंड्रो को अपना लेता है, जिसकी वजह से सुख रहे है कि टॉयलेट में इमोशंस जो है यानी कि इंटेलिजेंस है और हर मोड़ पर जैक की आधुनिक जो है मानसिकता सवाल उठाई जा सकती है। और केशव को यहाँ पे फटकार भी लगाया जाता है कि आखिरकार वे शादी कर लेता तो है, लेकिन चीजें नाटकीय मोड़ लेती है जब जया को पता चलता है कि केशव के घर में शौचालय नहीं है। तो केशव के पिता जो है पंडित जी सुधीर पांडे अपने घर की सीमा के भीतर अद्भुत यानी कि शौचालय होने के सख्त खिलाफ है। टॉयलेट का लेखन जो है सामाजिक मजाकिया और पूरी तरह से जो है यानी कि व्यंग्यात्मक है। ये फिल्म जितनी ही कार्ड कॉमेडी वाली है उतनी ही अपरंपरागत जो है रोमांस से भरी हुई है। केशव और जया की प्रेम कहानी कथा में हमेशा अपना महत्व रखता है। उनका रोमांस फिल्म को इसके सबसे उदाता और शानदार क्षण देता है। टॉयलेट की कहानी के निष्पादन के साथ एकमात्र समस्या यह है कि ये कुछ ज्यादा ही देशभक्तिपूर्ण और सरल हो जाता है। ये सांस्कृतिक और धर्म की आर में प्रचलित की गई यानी कि हर धर्मी पर सटीक मिशन साधती है, लेकिन इसकी आलोचना कभी सूक्ष्म नहीं होती। ये थोड़ा क्रूर और अति जो शीर्ष यानी कि दृष्टिकोण फिल्म को उदारता होने का मौका देता है, जिसकी वजह से ये करना चाहिए कि फिल्म भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक जो है व्यवहार की शानदार प्रस्तुति देखने को मिलता है। कहानी का एक बड़ा हिस्सा जो कि जुगाड़ के लिए एक भारतीय की रुचि से संबंधित है, जहाँ पे हम ठोस समाधानों के बजाय समस्याओं के साथी उपहार के साथ जो है आते हैं, टॉयलेट और अधिक जो आकर्षक हो जाता है अगर इसके जो है कि अखियान में यानी कि अंतर्राष्ट्रवाद पर जो है ढीली गई होती तो। तो गाइस से कहानी तो काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों जो बात बिल्कुल शानदार होती है वह अक्षय कुमार का एक प्रदर्शन है फिल्म में। ये उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक है और वह एक तेजतर्रार और आत्मविश्वासी कुंवारे से एक समर्पित पति बन जाते हैं फिल्म में। वह महिलाओं जो हल्के में लेने से इस फिल्म के अंदर उनका सम्मान करने तक जाते हैं। जो एक ऐसा हीरो है फिल्म में जो अपनी गलती स्वीकार करता है और फिर जो है बदलाव का फैसला करता है। अभिनेता अक्षय कुमार अपनी भूमिका में बस जो है अभूतपूर्वक है। दम के बारे में हम बात कर ले तो वो काफ़ी शानदार दम लगा के इस फिल्म के अंदर हईशा के बाद जो है भूमिका यानी कि भूमि पेडनेकर का ये फिल्म जो है दम लगा के हईशा के बाद जो है भूमि पेडनेकर की बड़े पर्दे पर एक आकर्षक जो अवतार में वापसी हुई थी इस फिल्म से, जबकि उसकी भूमिका उसकी पहली फिल्म के समान है। वह भूमिका में आत्मविश्वास और ऊर्जा की भावना लाती है। साथ ही साथ दोस्तों दोनों की केमिस्ट्री टॉयलेट एक प्रेम कथा में सबसे अच्छी चीजों में से एक है। दिव्येंदु के बारे में हम बात कर ले तो दिव्येंदु शर्मा ने केशव के भाई सह दोस्त की भूमिका निभाई है। उनका प्रदर्शन इतना शानदार है कि आप उन्हें टॉयलेट के एक अधिकांश फ्रेम की पृष्ठभूमि में जादुई चीजें करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों अब टॉयलेट एक प्रेम कथा एक मजबूत जो है सामाजिक संदेश के साथ एक ठोस मनोरंजन फिल्म है, जो हो सकता है कि इसमें सबसे जो है परिष्कृत जो है पटकथा न हो, लेकिन निर्देशक श्री नारायण सिंह की इस विषय को चतुराई से संभालने की कला इसके नेक इरादों का सबसे अधिक जो है फायदा उठाता है। ये चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी एक मजबूत जो है मामला बना हुआ, जो आकर्षक यानी कि संवादों और स्मार्ट
किरदारों और उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन वाली फिल्म है और ये एक स्वच्छ और प्रशंसित जो है मनोरंजन फिल्म है जिसने काफी बेहतरीन कमाई की थी 2017 के अंदर। आइए दोस्तों अब सीधी कहानी को यहाँ पे रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपने गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों की आड़ में खुले में शौच करने जाते हैं। वहाँ पे केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है फिल्म में, क्योंकि उसके पिता पंडित विमल नाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है और उनका मानना है कि उनके बेटे की काला भैंस से शादी के बाद जो है केशव के भाग्य को सुधारने में मदद मिलेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलते हैं, उसके प्यार में पड़ जाते हैं और आखिरकार उससे शादी करने के लिए मना लेते हैं उसे। हालांकि केशव के पिता का विचार यह है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह उसी लड़की से शादी कर सकता है इनके हाथ में 6-2 अंगूठे हो, क्योंकि यहाँ पे जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। इसकी वजह से केशव ने एक कीर्तिमान जो है अंगूठा बनवाया है उसके लिए और इसे जया को देता है जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठे के रूप में पहनती है। केशव के यहाँ पे बेपरवाह पिता उनकी शादी के लिए फिर राजी हो जाते हैं। देखने के बाद केशव के घर में अपनी पहली जो है सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस भी आ जाती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार कोशिश के बावजूद जया अड़िग रहती है अपनी जिद पे। वह समस्याओं को हल करने के लिए कुछ जो अस्थायी समायोजित जो है करता है। पहले दोस्तों उसे एक पड़ोसी के घर में लेके जाता है जिसमें एक बिस्तर पर एक पड़ी हुई बुजुर्ग जो है एक पड़ी बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल जो है टॉयलेट बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों ये दिखाया गया है कि एक ट्रेन में जो गांव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है जहाँ पे वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बना यानी कि रहा है, लेकिन उस समय बाद जो है एक दिन आता है जब शौचालय में वो बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चला जाता है कहीं और। परेशान होकर निराश होकर जय केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अब वापस तो अपने घर चली जाती है लेकिन अब यहाँ केशव के पास वो आना नहीं चाहती और दोस्तों आने के बजाय वो बोलती है कि तुम पहले अपने घर में शौच बनाओ वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब गांव में शौचालय बनाने के लिए अपने सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित जो है नियामक पदाधिकार से संपर्क करते हैं और अपने सामने वाले वार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करते हैं। जब निर्माण जो है समाप्त हो जाता है उसके बाद केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि दोस्तों केशव अभी भी सो रहा है। लेकिन शौचालय के पूरे तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। इसके बाद दोस्तों जया अब तलाक के लिए फाइल कर चुकी है। तलाक के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। इसके बाद केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित जो है सरकारी विभाग जो है हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने के अपने फैसले पर अडिग है। जब तक कि वह एक दिन जो है उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय जो है दरवाजे पर गिर जाती है। उसके बाद दोस्तों उसके कूल्हे में चोट लग जाता है और वह जोर से रोने लगती है कि वह असंभव जो है चलकर घर तक नहीं जा सकती शौच के लिए खेत, और यह है कि उसे केशव धारा सामने वाले अहाते के साथ जो है अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय में मदद करते हैं। तब जो है उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर के भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती है। दोस्तों केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक जो है नोटिस मिलता है। इसमें न्यायाधीश से आग्रह किया गया है कि वह उनके तलाक को मंजूर न करे क्योंकि अगले दिन से उनके गाँव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल खुशी से एक साथ जो है बाहर आते हैं। केशव के पिता जया से माफी मांगते हैं, उसके जीत के लिए माफी मांगते हैं। अंत में क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर जो है मोबाइल और शौचालय का उपयोग करने के लिए
लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। बात करें मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों ये कहानी 2013 में ही सामने आ गया था। ये फिल्म 2013 की हिंदी फिल्म जो है गोलियों की रासलीला, रामलीला के लेखक सिद्धार्थ सिंह और गरिमा वहल द्वारा लिखित की गई थी, और ये एक सच्ची घटना के साथ कुछ समानताएं साझा करता है। फिल्म जिसने जो है जिसमें 19 वर्षीय प्रियंका भारती 2012 में अपने पति के घर से भाग गई थी जब शौचालय उनके घर में नहीं था। तब फिल्म में अंतिम क्रेडिट से पहले जो है टॉयलेट में उल्लेख किया गया था कि ये मध्य प्रदेश की अनीता नर्र की कहानी पर आधारित है, जिसने अपने पति शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वहां शौचालय नहीं था। फिल्म निर्माता जो है प्रवीण वैश ने निर्माताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें जो है दावा किया गया था कि टॉयलेट एक प्रेम कथा ने इस विषय पर आधारित जो है उनकी डॉक्यूमेंट्री मनाने के लिए 150 और संवादों के निकल है, जिसकी वजह से स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ावा देने का एक अच्छा प्रयास बताया था। दिसंबर 2017 में बिल गेट्स ने टॉयलेट एक प्रेम कथा को 2017 में हुई 6 जो है सकारात्मक चीजों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। अभिनेता कुमार ने फिल्म के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में एक शौचालय खोदा था, और फिल्म का ट्रेलर 11 जून 2013 को जारी किया गया था सबसे पहले। इसके बाद दोस्तों रिव्यू करते हुए समीक्षा करते हुए एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को 11 समीक्षकों के आधार पर 10 में से 5 पे स्टार मिली थी। इसके अलावा दोस्तों 27 अनुमोदन रेटिंग दिया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और कहा, निर्देशक श्री नारायण सिंह जो है समाज को एक आईना दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारे जो है अंधविश्वासी ग्रामीणों असली आसानी से आलसी प्रशासन और भ्रष्ट जो है राजनेताओं ने वास्तव में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा देश बना दिया है गंदगी से। यहाँ फ्रेंड्स ये चीज़ आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस फिल्म को रिव्यू करते हुए फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिया गया और समीक्षा जो है समाप्त की, और ये कहते हुए कि कुल मिलाकर शौचालय एक प्रेम कथा कमियों के बावजूद जो है मनोरंजन के साथ एक मजबूत सामाजिक संदेश को आश्चर्यजनक रूप से एकीकृत करता है और समाज में कई पुराने जो है प्रथाओं पर भी सवाल उठाता है। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने मूवी को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी और कहा, टॉयलेट एक प्रेम कथा एक मजबूत सामाजिक संदेश के साथ एक ठोस मनोरंजन फिल्म है। इस फिल्म में सबसे जो है पॉलिश किए गए स्क्रीन प्ले नहीं हो सकता है, लेकिन निर्देशक श्री नारायण सिंह की इस विषय को चतुराई से संभालने से इसके नेक इरादों का सबसे अधिक जो है फायदा होता है। न्यूज 18 के तरफ से इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया गया था, और दोस्तों उन्होंने अपने रिव्यू में कहा है कि ये स्पष्ट होता है कि फिल्म का दिल सही जगह पर है, लेकिन जबरदस्त जो है पेंट रिंग का थकाव हो जाती है। अक्षय कुमार बिल्कुल जो है सही मात्रा में लेवी लाते हैं, और भूमि पेडनेकर के बारे में हम बात कर ले तो चमकती है अपने कैरेक्टर में, ये मैला लेखन है। लेकिन जहाँ पे आपको बता दे टॉयलेट एक प्रेम कथा में क्षमता थी, लेकिन वहीं पे केवल जो है इनके छिटपुट रूप से मनोरंजन फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा कि एक प्रेम कथा टॉयलेट एक प्रेम कथा भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का इतना गंभीरता से समर्थन करती है कि एक बिंदु के बाद ये शुरू होता है जहां विद्या बालन अभिनीत की गई प्रियंका भारती के विज्ञापन की तरह दिखने के लिए द हिंदू के लिए लिखते हुए नम्रता जोशी ने कहा था, जबकि कुछ जो क्षमता अंध तक खोई हुई थी पहली छमाई में दिखाई देती है, क्योंकि फिल्म का दूसरा भाग एक में समाप्त होता है, जिसकी वजह से टोटल आपको बता दें मेजर फर्स्ट पोस्ट के अन्ना MM ने ये कहते हुए इसे 1.5 स्टार दिया कि टॉयलेट एक प्रेम कथा की दर्शाती हुई एक प्रेम कथा है कि यहाँ पे माइंस स्टॉकिंग और इसके अलावा जो है इस फिल्म के अंदर यानी कि चमचागिरी, यह है कि एक अच्छी फिल्म हो सकती थी, जो कि सैवल चटर्जी ने इस फिल्म को रिव्यू करते हुए इन्होंने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त थी, जिसकी वजह से फिल्म ने काफ़ी शानदार कमाई किया था 2017 में। तो गाइस ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे,
और तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बन रहिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने किया है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार, उनके अलावा भूमि पेडनेकर और इस फिल्म में दिव्यांशु शर्मा अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। दोस्तों ये फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक जो है भावनाओं के कारण ये फिल्म में एक अलग चीज दिखाया गया है जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत सारे जगहों पे टॉयलेट देखने को नहीं मिलता है, उसी चीज को इस फिल्म में दिखाया गया है। एक साथ दोस्तों इस फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात करें तो दोस्तों अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अभिनय करते हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों ये फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के अभियानों के साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच के अनुमूलन पर जोर देने के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। दोस्तों ये फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक जो है भावनाओं के कारण होती है, जो गांव में अभी भी बहुत सारे जगहों पे टॉयलेट देखने को नहीं मिलता है। यही वजह था इस फिल्म को बनाने का, जो दिखाया गया फिल्म में कि कैसे एक के टॉयलेट ना होने की वजह से एक औरत जो है बहुत परेशान होती है और वो अपने पति से फाइल कर लेती है तलाक के लिए। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी ये मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है जो महिलाओं को बहुत ज्यादा निराश करता है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न का भी कारण बनता है ये चीज। तो इस फिल्म को शूटिंग करने के बाद मध्य प्रदेश की अनीता नरे की सच्ची कहानी पर इस फिल्म की कहानी आधारित है ये हमें बताया गया था। ये दोस्तों उनकी कहानी के बारे में भी हम जान लेते हैं। इसने अपने पति शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह शौचालय नहीं था, इसी चीज को लेके फिल्म को बनाया गया था। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को 11 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला था। दोस्तों खास करके फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट की मुख्य अभिनेताओं की पटकथा और प्रदर्शन के लिए इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी। और दोस्तों ये फिल्म घरेलू स्तर पर और साथ ही साथ विदेशों में भी विशेष रूप से सच्ची में एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी और ये फिल्म अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और दुनिया भर में भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पांचवी फिल्म है। दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म ने 311 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। इस फिल्म ने जो चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के अवार्ड के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को सीधे 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 3 नामांकन प्राप्त हुए थे इस फिल्म के लिए। आइए दोस्तों अब इस मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करते हैं कि इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला था रिलीज होने के बाद। सबसे पहले दोस्तों बता दें पूर्व मुख्य चुनाव के बाद जो है जिन्हें भारत में चुनाव को साफ सुथरा बनाने में मदद करने का श्रेय दिया था इस मूवी ने। इसी के साथ दोस्तों प्रसिद्ध रूप से सरकारी जो है समितियों की तुलना में और शौचालय की यात्रा की ये एक कहानी को बताया गया है। यात्रा की ये कहते हुए कि लोग जो है बिना कुछ किए लंबे समय तक जो है बैठे रहते हैं, इस वजह से श्री नारायण सिंह की शौचालय एक प्रेम कथा एक सरकारी समिति जितनी जो है दिलचस्प लगती है ये फिल्म। दोस्तों ये फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के लिए कुछ प्रचार स्टंट और आंशिक रूप से प्रेम कहानी के साथ एक व्यक्ति के अपनी जो है पत्नी के लिए शौचालय बनाने की मिशन के बारे में बताता है। यह वास्तव में एक फिल्म होनी चाहिए थी कि कैसे भारत में वयस्क जो है पुरुष अभी भी अपने माता पिता की सदियों पुरानी जो है मान्यताओं को और प्रतिगामी के साथ जो है परंपराओं का सम्मान करने के लिए रीढ़ नहीं खोज सकते हैं। इसके बाद दोस्तों केशव यानी कि अक्षय कुमार फिल्म के लिए अपने रूढ़िवादी पिता की अपेक्षाओं के कारण पत्नी को ढूंढना लगभग जो है असंभव हो गया है, जिनमें से एक या फिर जो है एक या एक यह कि दुल्हन के 2 अंगूठे होने चाहिए, यानी कि ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। उनके पिता का ये कहना है कि मैं उस लड़की से विवाह करूंगा जिसके पास 2 अंगूठे होने चाहिए।
समृद्धि का संकेत ये है। जहाँ पे जय के लिए मुश्किल ये होता है और वहाँ पे अंत तक उससे शादी कर लेते हैं जय से, यहाँ तक कि दोस्तों मिट्टी से उसके लिए एक अतिरिक्त अंगूठा भी बनवा लेते हैं, लेकिन जब वह उसे छोड़ देती है तो यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है और वजह यह है कि उनके घर में शौचालय नहीं है। तो दोस्तों केशव को अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए बिल्ली पांव बंद करना चाहिए और एक जो है रास्ता निकालना चाहिए। फिल्म में भारत में खुले में शौच एक गंभीर समस्या है, जहां आधी से अधिक आबादी के पास शौचालय नहीं है, लेकिन सिंह इस मुद्दे को सबसे निराश और साधारण तरीके से सुलझाते हुए फिल्म को बनाया है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है कि कैसे शौच जो है कितनी जरूरी होती है एक घर में। जया इस स्कूल में अव्वल और एक ऐसी लड़की है जो भारतीय है, लेकिन यहाँ पे पश्चिमी सोचती है, फिर भी वह उन जो है विशेषताओं को प्रदर्शित करती है जो उसकी तथा कथित मुक्त सोच के विपरीत है। जब केशव उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं और उसकी अनुमति के बिना उसकी जो है तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं तो वह एक मिली सेकेंड के लिए गुस्सा होने का नाटक करती है इससे पहले कि वह उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए। तो दोस्तों फिल्म की कहानी में आपको तो अच्छी कहानी देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म से ये भी मैसेज दिया गया है कि एक घर में कम से कम एक टॉयलेट तो बनाओ, जिसकी वजह से आपके घर की जो महिलाएं हैं वो अपने घर में सुरक्षित रहे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि शुक्र ये है कि वह शौचालय के बिना घर में रहने से इनकार कर देती है और केशव सच्ची भारतीय परंपरा में बुनियादी स्वच्छता के मुद्दों पर अपने चिड़चिड़े पिता का सामना करने से इनकार करते हैं। इसके बजाय वह जया को यहाँ पे निकटम्बा रेलवे स्टेशन पर लेकर जाते हैं ताकि वह ट्रेन में शौचालय का उपयोग कर सके, जो हर सुबह वहाँ रुकती है। दूसरी बार वह उसे एक पड़ोसी के घर में लेकर जाते हैं, वहाँ पे यहाँ तक कि गांव में जो है जो शूटिंग कर रही होती है फिल्म यूनिट से एक मोबाइल जो है शौचालय भी चुरा लिया गया था। लेकिन दोस्तों टॉयलेट एक फिल्म का था केवल जो है केशव और जया की निराश कहानी के बारे में नहीं है। ये फिल्म सिंह भरत सरकारी अधिकारियों एक मुख्यमंत्री जिसकी समस्या का समाधान सरकारी जो है कार्यालयों में शौचालय को बंद करना है ताकि उनके अधिकारियों को शौचालय न होने के दर्द का एहसास हो और लंबे लंबे जो है भाषण जो जनता की तुलना में कम प्रभावित हो। दोस्तों अंत में क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है बॉलीवुड ये सोचता है कि हर क्रांति समाचार चैनलों पर यहाँ पे गर्मा गर्म जो है बहस से होती है शुरुआत, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसलिए हमारे नायक अपना यानी कि समाधान ढूंढते हैं। फिल्म में पत्रकारों की भीड़ के बारे में हम बात कर ले तो अपनी कहानी को राष्ट्रीय सुर्खियों में रखी गई है। कलाकारों में से एक पेडनेकर रूखे और अजीब है, फिल्म में हर अवसर पर गंभीर भाषण देते हैं, लेकिन अभिनेता अक्षय कुमार अधिक जो है सीमित है क्योंकि अधिक जो है शांत तरीके से शौचालय शहीद की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को औसत दर्जे की गहराई से उठाने के लिए पर्याप्त नहीं किया गया है। तो दोस्तों कुल मिला के इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी थी और ये मूवी 2017 की सबसे अधिक कमाई करने वाली चौथी फिल्म है। साथ ही साथ दोस्तों अक्षय कुमार के करियर में भी सबसे ज़्यादा कमाई इसी फिल्म ने किया है। दोस्तों कभी भी दुनिया को बदलने के लिए अच्छे इरादे होने चाहिए, अक्षय कुमार की फिल्म में अच्छे इरादे तो है क्योंकि टॉयलेट एक फिल्म का था में नेक इरादों की वजह से फिल्म को बनाया गया था। हालांकि ये भारत का चेहरा जो है बदलने वाली फिल्म नहीं हो सकती है, यहाँ पे निश्चित रूप से भारतीय सांस्कृतिक उसके और इसके अलावा हठ धर्मी जो है मूल्यों पर और यहाँ पे आधुनिक जो है समाज में बदलाव की आवश्यकता का एक स्वच्छ और विस्तृत जो है आत्मा निरीक्षण है। ये दुर्लभ जो है माध्यम हो सकता है जो एक जो है सामाजिक कारण लेती है और इसे बड़े पैमाने पर जो है संतोषजनक सिनेमाई अनुभव के रूप में प्रस्तुत करता है। कहानी उत्तर प्रदेश के एक गाँव कस्बे की है जहाँ स्थान मथुरा और उसके आसपास में बसा हुआ एक गांव है, इसलिए पात्रों और उनके जो है लहजे और उनकी संस्कृति पर इस क्षेत्र का भारी प्रभाव पड़ा हुआ है। इस सेटिंग में जहां पे महिलाएं मुख्य रूप से कमजोर सेक्स होती है वहीं पे टॉयलेट एक अपरंपरागत जो है कहानी बताता है ये फिल्म, जहां एक वृद्ध कुंवारा एक युवा महिला के प्यार में पड़ जाता है, यानी कि केशव अक्षय कुमार एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं। एक विशेष जो है रोमियो के रूप में शुरू होता है फिल्म, जो एक मजबूत यानी कि पीड़ता सात्मक के साथ व्यस्तता में उसके
पालन पोषण से पैदा हुई उसकी उग्रवादी आदतों से भरा हुआ है। लेकिन उत्साही और मुखर यह है कि भूमि पेडनेकर एक स्वतंत्रतम महिला है जो एक अधिक उधार घर में पली बड़ी है। ये सब उस लड़के के रूप में शुरू होता है जिसने अपनी जो है कुंडली में समस्याओं को दूर करने के लिए भैंसों से शादी कर ली है। लेकिन एक बार जब वह जय के प्यार में पड़ जाता है तो वह सामान्य यानी कि स्टॉकर रोमियो और सिंड्रो को अपना लेता है, जिसकी वजह से सुख रही है कि टॉयलेट में इमोशंस जो है यानी कि इंटेलिजेंस है और हर मोड़ पर जय की आधुनिक जो है मानसिकता सवाल उठाई जा सकती है। और केशव को यहाँ पे फटकार भी लगाया जाता है कि आखिरकार वे शादी कर लेता तो है, लेकिन चीजें नाटकीय मोड़ लेती है जब जया को पता चलता है कि केशव के घर में शौचालय नहीं है। तो केशव के पिता जो है पंडित जी सुधीर पांडे अपने घर की सीमा के भीतर अद्भुत यानी कि शौचालय होने के सख्त खिलाफ है। टॉयलेट का लेखन जो है सामाजिक मजाकिया और पूरी तरह से जो है यानी कि व्यंग्यात्मक है। ये फिल्म जितनी ही कार्ड कॉमेडी वाली है उतनी ही अपरंपरागत जो है रोमांस से भरी हुई है। केशव और जय की प्रेम कहानी कथा में हमेशा अपना महत्व रखता है। उनका रोमांस फिल्म को इसके सबसे उदाता और शानदार क्षण देता है। टॉयलेट की कहानी के निष्पादन के साथ एकमात्र समस्या यह है कि ये कुछ ज्यादा ही देशभक्तिपूर्ण और सरल हो जाता है। ये सांस्कृतिक और धर्म की आड़ में प्रचालित की गई यानी कि हर धर्मी पर सटीक मिशन साधती है, लेकिन इसकी आलोचना कभी सूक्ष्म नहीं होती। ये थोड़ा क्रूर और अति जो शीर्ष यानी कि दृष्टिकोण फिल्म को उदारता होने का मौका देता है, जिसकी वजह से ये करना चाहिए कि फिल्म भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक जो है व्यवहार की शानदार प्रस्तुति देखने को मिलता है। कहानी का एक बड़ा हिस्सा जो कि जुगाड़ के लिए एक भारतीय की रुचि से संबंधित है, जहाँ पे हम ठोस समाधानों के बजाय समस्याओं के साथी उपहार के साथ जो है आते हैं, टॉयलेट और अधिक जो आकर्षक हो जाता है अगर इसके जो है अखियान में यानी कि अंतरराष्ट्रवाद पर जो है ढीली गई होती। तो गाइस कहानी तो काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों जो बात बिल्कुल शानदार होती है वो अक्षय कुमार का एक प्रदर्शन है फिल्म में। ये उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक है और वह एक तेजतर्रार और आत्मविश्वासी कुंवारे से एक समर्पित पति बन जाते हैं फिल्म में। वह महिलाओं जो हल्के में लेने से इस फिल्म के अंदर उनका सम्मान करने तक जाते हैं, जो एक ऐसा हीरो है फिल्म में जो अपनी गलती स्वीकार करता है और फिर जो है बदलाव का फैसला करता है। अभिनेता अक्षय कुमार अपनी भूमिका में बस जो है अभूतपूर्वक है। दम के बारे में हम बात कर ले तो वो काफ़ी शानदार दम लगा के इस फिल्म के अंदर हईशा के बाद जो है भूमिका यानी कि भूमि पेडनेकर का ये फिल्म जो है दम लगा के हईशा के बाद जो है भूमि पेडनेकर की बड़े पर्दे पर एक आकर्षक जो है अवतार में वापसी हुई थी इस फिल्म से, जबकि उसकी भूमिका उसकी पहली फिल्म के समान है। वह भूमिका में आत्मविश्वास और ऊर्जा की भावना लाती है। साथ ही साथ दोस्तों दोनों की केमिस्ट्री टॉयलेट एक प्रेम कथा में सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है। दिव्येंदु के बारे में हम बात कर ले तो दिव्येंदु शर्मा ने केशव के भाई सह दोस्त की भूमिका निभाई है। उनका प्रदर्शन इतना शानदार है कि आप उन्हें टॉयलेट के एक अधिकांश फ्रेम की पृष्ठभूमि में जादुई चीजें करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों अब टॉयलेट एक प्रेम कथा एक मजबूत जो है सामाजिक संदेश के साथ एक ठोस मनोरंजन फिल्म है, जो हो सकता है कि इसमें सबसे जो है परिष्कृत जो है पटकथा न हो, लेकिन निर्देशक श्री नारायण सिंह की इस विषय को चतुराई से संभालने की कला इसके नेक इरादों का सबसे अधिक जो है फायदा उठाता है। ये चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी एक मजबूत जो है मामला बना हुआ, जो आकर्षक यानी कि संवादों और स्मार्ट किरदारों और उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन वाली फिल्म है। और ये एक स्वच्छ और प्रशंसित जो है मनोरंजन फिल्म है। इसने काफी बेहतरीन कमाई की थी 2017 के अंदर। आइए दोस्तों अब सीधी कहानी को यहाँ पे रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपने गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों की आड़ में खुले में शौच करने जाते हैं। वहाँ पे केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है फिल्म में, क्योंकि उसके पिता पंडित विमल नाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है और उनका
मानना है कि उनके बेटे की काला भैंस से शादी के बाद जो है केशव के भाग्य को सुधारने में मदद मिलेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलते हैं, उसके प्यार में पड़ जाते हैं और आखिरकार उससे शादी करने के लिए मना लेते हैं उसे। हालांकि केशव के पिता का विचार यह है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह उसी लड़की से शादी कर सकता है जिनके हाथ में 6 2 अंगूठे हो, क्योंकि यहाँ पे जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। इसकी वजह से केशव ने एक कीर्तिमान जो है अंगूठा बनवाया है उसके लिए और इसे जया को देता है, जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठे के रूप में पहनती है। केशव के यहाँ पे बेपरवाह पिता उनकी शादी के लिए फिर राजी हो जाते हैं। देखने के बाद केशव के घर में अपनी पहली जो है सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस भी आ जाती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जय को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार कोशिश के बावजूद जया अड़िग रहती है अपनी जिद पे। वह समस्याओं को हल करने के लिए कुछ जो अस्थायी समायोजित जो है करता है। पहले दोस्तों उसे एक पड़ोसी के घर में लेके जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर एक पड़ी हुई बुजुर्ग जो है एक बड़ी बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल जो है टॉयलेट बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों ये दिखाया गया है कि एक ट्रेन में जो गांव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, जहां पे वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बना यानी कि रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जो है एक दिन आता है जब शौचालय में वो बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चला जाता है कहीं और। परेशान होकर निराश होकर जय केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अब वापस तो अपने घर चली जाती है, लेकिन अब यहाँ केशव के पास वो आना नहीं चाहती और दोस्तों आने के बजाय वो बोलती है कि तुम पहले अपने घर में शौच बनाओ वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब गांव में शौचालय बनाने के लिए अपने सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित जो है नियामक पदाधिकार से संपर्क करते हैं और अपने सामने वाले वार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करते हैं। जब निर्माण जो है समाप्त हो जाता है उसके बाद केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं। जबकि दोस्तों केशव अभी भी सो रहा है, लेकिन शौचालय के पूरे तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। इसके बाद दोस्तों जया अब तलाक के लिए फाइल कर चुकी है। तलाक के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। इसके बाद केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित जो है सरकारी विभाग जो है हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने के अपने फैसले पर अडिग है। जब तक कि वह एक दिन जो है उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय जो है दरवाजे पर गिर जाती है। उसके बाद दोस्तों उसके कूल्हे में चोट लग जाता है और वह जोर से रोने लगती है कि वह असंभव जो है चलकर घर तक नहीं जा सकती शौच के लिए खेत, और यह है कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते के साथ जो है अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय में मदद करते हैं। तब जो है उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर के भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती है। दोस्तों केशव और जय के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक जो है नोटिस मिलता है। इसमें न्यायाधीश से आग्रह किया गया है कि वह उनके तलाक को मंजूर न करे, क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल खुशी से एक साथ जो है बाहर आते हैं। केशव के पिता जया से माफी मांगते हैं, उसके जीत के लिए माफी मांगते हैं। अंत में क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर जो है मोबाइल और शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों ये कहानी 2013 में ही सामने आ गया था। ये फिल्म 2013 की हिंदी फिल्म जो है गोलियों की रासलीला रामलीला के लेखक सिद्धार्थ सिंह और गरिमा वहल द्वारा लिखित की गई थी और ये एक सच्ची घटना के साथ कुछ समानताएं साझा करता है। फिल्म जिसमें 19 वर्षीय प्रियंका भारती 2012 में अपने पति के घर से भाग गई थी जब शौचालय उनके घर में नहीं था, तब
फिल्म में अंतिम क्रेडिट से पहले जो है टॉयलेट में उल्लेख किया गया था कि ये मध्य प्रदेश की अनीता नर्रे की कहानी पर आधारित है, जिसने अपने पति शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वहां शौचालय नहीं था। फिल्म निर्माता जो है प्रवीण वैस ने निर्माताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें जो है दावा किया गया था कि टॉयलेट एक प्रेम कथा ने इस विषय पर आधारित जो है उनकी डॉक्यूमेंट्री मनाने के लिए 150 और संवादों के निकल है, जिसकी वजह से स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ावा देने का एक अच्छा प्रयास बताया था। दिसंबर 2017 में बिल गेट्स ने टॉयलेट एक प्रेम कथा को 2017 में हुई 6 जो है सकारात्मक चीजों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। अभिनेता कुमार ने फिल्म के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में एक शौचालय खोदा था और फिल्म का ट्रेलर 11 जून 2013 को जारी किया गया था सबसे पहले। इसके बाद दोस्तों रिव्यू करते हुए समीक्षा करते हुए एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को 11 समीक्षकों के आधार पर 10 में से 5 पे स्टार मिली थी। इसके अलावा दोस्तों 27 अनुमोद रेटिंग दिया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और कहा, निर्देशक श्री नारायण सिंह जो है समाज को एक आईना दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारे जो है अंधविश्वासी ग्रामीणों असली आसानी से आलसी प्रशासन और भ्रष्ट जो है राजनेताओं ने वास्तव में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा देश बना दिया है गंदगी से। यहाँ फ्रेंड्स ये चीज आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस फिल्म को रिव्यू करते हुए फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिया गया और समीक्षा जो है समाप्त की और ये कहते हुए कि कुल मिलाकर शौचालय एक प्रेम का था। कमियों के बावजूद जो है मनोरंजन के साथ एक मजबूत सामाजिक संदेश को आश्चर्यजनक रूप से एकीकृत करता है और समाज में कई पुरानी जो है प्रथाओं पर भी सवाल उठाता है। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने मूवी को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी और कहा, टॉयलेट एक प्रेम कथा एक मजबूत सामाजिक संदेश के साथ एक ठोस मनोरंजन फिल्म है। इस फिल्म में सबसे जो है पॉलिश किए गए स्क्रीन प्ले नहीं हो सकता है, लेकिन निर्देशक श्री नारायण सिंह की इस विषय को चतुराई से संभालने से इसके नेक इरादों का सबसे अधिक जो है फायदा होता है। न्यूज 18 के तरफ से इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया गया था। और दोस्तों उन्होंने अपने रिव्यू में कहा है कि ये स्पष्ट होता है कि फिल्म का दिल सही जगह पर है, लेकिन जबरदस्त जो है पेंट रिंग का थकाव हो जाती है। अक्षय कुमार बिल्कुल जो है सही मात्रा में लेवी लाते हैं और भूमि पेडनेकर के बारे में हम बात कर ले तो चमक भी है अपने कैरेक्टर में। ये मैला लेखन है, लेकिन जहाँ पे आपको बता दे टॉयलेट एक प्रेम कथा में क्षमता थी, लेकिन वहीं पे केवल जो है इनके छिटपुट रूप से मनोरंजन फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा कि एक प्रेम कथा टॉयलेट एक प्रेम कथा भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का इतना गंभीरता से समर्थन करती है कि एक बिंदु के बाद ये शुरू होता है जहाँ विद्या बालन अभिनीत की गई प्रियंका भारती के विज्ञापन की तरह दिखने के लिए द हिंदू के लिए लिखते हुए नम्रता जोशी ने कहा था, जबकि कुछ जो क्षमता अंत तक खोई हुई थी पहली छमाई में दिखाई देती है, क्योंकि फिल्म का दूसरा भाग एक में समाप्त होता है, जिसकी वजह से टोटल आपको बता दें मेजर फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम ने ये कहते हुए इसे 1.5 स्टार दिया कि टॉयलेट एक प्रेम कथा की दर्शाती हुई एक प्रेम कथा है कि यहाँ पे माइंस स्टॉकिंग और इसके अलावा जो है इस फिल्म के अंदर यानी कि चमचागिरी यह है कि एक अच्छी फिल्म हो सकती थी, जो कि सैवल चटर्जी ने इस फिल्म को रिव्यू करते हुए इन्होंने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म की कहानी काफी जबरदस्त थी, जिसकी वजह से फिल्म ने काफी शानदार कमाई किया था 2017 में। तो गाइस ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। जैसा कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने किया है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार, उनके अलावा भूमि पेडनेकर और इस फिल्म में दिव्यांशु शर्मा अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। दोस्तों ये फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक जो है भावनाओं के कारण ये फिल्म में एक अलग चीज दिखाया गया है, जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत सारे जगहों पे टॉयलेट देखने को नहीं मिलता है, उसी चीज को इस फिल्म में दिखाया गया है। एक साथ दोस्तों इस फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात करें तो दोस्तों अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अभिनय करते हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों ये फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के अभियानों के साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच के उन्मूलन पर जोर देने के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। दोस्तों ये फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक जो भावनाओं के कारण होती है, जो गांव में अभी भी बहुत सारे जगहों पर टॉयलेट देखने को नहीं मिलता है। यही वजह था इस फिल्म को बनाने का, जो दिखाया गया फिल्म में कि कैसे एक के टॉयलेट ना होने की वजह से एक औरत जो है बहुत परेशान होती है और वो अपने पति से फाइल कर लेती है तलाक के लिए। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी ये मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, जो महिलाओं को बहुत ज़्यादा निराश करता है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न का भी कारण बनता है ये चीज। तो इस फिल्म को शूटिंग करने के बाद मध्य प्रदेश की अनीता नरे की सच्ची कहानी पर इस फिल्म की कहानी आधारित है, ये हमें बताया गया था। ये दोस्तों उनकी कहानी के बारे में भी हम जान लेते हैं। इसने अपने पति शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह शौचालय नहीं था। इसी चीज को लेकर फिल्म को बनाया गया था। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को 11 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला था। दोस्तों खास करके फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट की मुख्य अभिनेताओं की पटकथा और प्रदर्शन के लिए इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी। और दोस्तों ये फिल्म घरेलू स्तर पर और साथ ही साथ विदेशों में भी विशेष रूप से सच्ची में एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी, और ये फिल्म अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और दुनिया भर में भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पांचवी फिल्म है। दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म ने 311 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। इस फिल्म ने जो चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के अवार्ड के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को सीधे 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 3 नामांकन प्राप्त हुए थे इस फिल्म के लिए। आइए दोस्तों अब इस मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करते हैं कि इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला था रिलीज होने के बाद। सबसे पहले दोस्तों बता दें, पूर्व मुख्य चुनाव के बाद जो है जिन्हें भारत में चुनाव को साफ सुथरा बनाने में मदद करने का श्रेय दिया था इस मूवी ने। इसी के साथ दोस्तों प्रसिद्ध रूप से सरकारी जो है समितियों की तुलना में और शौचालय की यात्रा की ये एक कहानी को बताया गया है। यात्रा की ये कहते हुए कि लोग जो है बिना कुछ किए लंबे समय तक जो है बैठे रहते हैं, इस वजह से श्री नारायण सिंह की शौचालय एक प्रेम कथा, एक सरकारी समिति जितनी जो है दिलचस्प लगती है ये फिल्म। दोस्तों ये फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के लिए कुछ प्रचार स्टंट और आंशिक रूप से प्रेम कहानी के साथ एक व्यक्ति के अपनी जो है पत्नी के लिए शौचालय बनाने की मिशन के बारे में बताता है। यह वास्तव में एक फिल्म होनी चाहिए थी कि कैसे भारत में वयस्क जो है पुरुष अभी भी अपने माता पिता की सदियों पुरानी जो है मान्यताओं को और प्रतिगामी के साथ जो है परंपराओं का सम्मान करने के लिए रीढ़ नहीं खोज सकते हैं। इसके बाद दोस्तों केशव यानी कि अक्षय कुमार फिल्म के लिए अपने रूढ़िवादी पिता की अपेक्षाओं के कारण पत्नी को ढूंढना लगभग जो है असंभव हो गया है, जिनमें से एक या फिर जो है एक या एक यह है कि दुल्हन के 2 अंगूठे होने चाहिए, यानी कि ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। उनके पिता का ये कहना है कि मैं उस लड़की से विवाह करूंगा जिसके पास 2 अंगूठे होने चाहिए। समृद्धि का संकेत ये है, यहाँ पे जय के लिए मुश्किल ये होता है और वहाँ पे अंत तक उससे शादी कर लेते हैं जय से, यहाँ तक कि दोस्तों मिट्टी से उसके लिए एक अतिरिक्त अंगूठा भी बनवा लेते हैं, लेकिन जब वह
उसे छोड़ देती है तो यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है, और वजह यह है कि उनके घर में शौचालय नहीं है। तो दोस्तों, केशव को अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए बिल्ली पाँव बंद करना चाहिए और एक जो है रास्ता निकालना चाहिए फिल्म में। भारत में खुले में शौच एक गंभीर समस्या है, जहां आधी से अधिक आबादी के पास शौचालय नहीं है। लेकिन सिंह इस मुद्दे को सबसे निराश और साधारण तरीके से सुलझाते हुए फिल्म को बनाया है। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म में देखने को मिलता है कि कैसे शौच जो है कितनी जरूरी होती है एक घर में। जया स्कूल में अव्वल और एक ऐसी लड़की है जो भारतीय है, लेकिन यहाँ पे पश्चिमी सोचती है। फिर भी वह उन जो है विशेषताओं को प्रदर्शित करती है जो उसकी तथा कथित मुक्त सोच के विपरीत है। जब केशव उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं और उसकी अनुमति के बिना उसकी जो है तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, तो वह एक मिली सेकेंड के लिए गुस्सा होने का नाटक करती है इससे पहले कि वह उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी में आपको तो अच्छी कहानी देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म से ये भी मैसेज दिया गया है कि एक घर में कम से कम एक टॉयलेट तो बनाओ, जिसकी वजह से आपके घर की जो महिलाएं हैं वो अपने घर में सुरक्षित रहे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि शुक्र ये है कि वह शौचालय के बिना घर में रहने से इनकार कर देती है, और केशव सच्ची भारतीय परंपरा में बुनियादी स्वच्छता के मुद्दों पर अपने चिड़चिड़े पिता का सामना करने से इनकार करते हैं। इसके बजाय वह जया को यहाँ पे निकटम्बा रेलवे स्टेशन पर लेकर जाते हैं ताकि वह ट्रेन में शौचालय का उपयोग कर सके, जो हर सुबह वहाँ रुकती है। दूसरी बार वह उसे एक पड़ोसी के घर में लेकर जाते हैं, वहाँ पे यहाँ तक कि गांव में जो है जो शूटिंग कर रही होती है फिल्म यूनिट से एक मोबाइल जो है शौचालय भी चुरा लिया गया था। लेकिन दोस्तों, टॉयलेट एक प्रेम का था केवल जो है केशव और जया की निराश कहानी के बारे में नहीं है। ये फिल्म सिंह भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों, एक मुख्यमंत्री जिसकी समस्या का समाधान सरकारी जो है कार्यालयों में शौचालय को बंद करना है ताकि उनके अधिकारियों को शौचालय न होने के दर्द का एहसास हो, और लंबे लंबे जो है भाषण जो जनता की तुलना में कम प्रभावित हो। दोस्तों, अंत में क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है बॉलीवुड जो है सोचता है कि बॉलीवुड ये सोचता है कि हर क्रांति समाचार चैनलों पर यहाँ पे गर्मा गर्म जो है बहस से होती है शुरुआत। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इसलिए हमारे नायक अपना यानी कि समाधान ढूंढते हैं। फिल्म में पत्रकारों की भीड़ के बारे में हम बात कर ले तो अपनी कहानी को राष्ट्रीय सुर्खियों में रखी गई है। कलाकारों में से एक पेडनेकर रूखे और अजीब है, फिल्म में हर अवसर पर गंभीर भाषण देते हैं, लेकिन अभिनेता अक्षय कुमार अधिक जो है सीमित है क्योंकि अधिक जो है शांत तरीके से शौचालय शहीद की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इस फिल्म को औसत दर्जे की गहराई से उठाने के लिए पर्याप्त नहीं किया गया है। तो दोस्तों, कुल मिला के इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी थी और ये मूवी 2017 की सबसे अधिक कमाई करने वाली चौथी फिल्म है। साथ ही साथ दोस्तों, अक्षय कुमार के करियर में भी सबसे ज़्यादा कमाई इसी फिल्म ने किया है। दोस्तों, कभी भी दुनिया को बदलने के लिए अच्छे इरादे होने चाहिए। अक्षय कुमार की फिल्म में अच्छे इरादे तो है, क्योंकि टॉयलेट एक फिल्म का था में नेक इरादों की वजह से फिल्म को बनाया गया था। हालांकि ये भारत का चेहरा जो है बदलने वाली फिल्म नहीं हो सकती है। यहाँ पे निश्चित रूप से भारतीय सांस्कृतिक उसके और इसके अलावा हट धर्मी जो है मूल्यों पर और यहाँ पे आधुनिक जो है समाज में बदलाव की आवश्यकता का एक स्वच्छ और विस्तृत जो है आत्मा निरीक्षण है। ये दुर्लभ जो है माध्यम हो सकता है जो एक जो है सामाजिक कारण लेती है और इसे बड़े पैमाने पर जो है संतोषजनक सिनेमाई अनुभव के रूप में प्रस्तुत करता है। कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव कस्बे की है, जहां स्थान मथुरा और उसके आसपास में बसा हुआ एक गांव है, इसलिए पात्रों और उनके जो है लहजे और उनकी संस्कृति पर इस क्षेत्र का भारी प्रभाव पड़ा हुआ है। इस सेटिंग में जहाँ पे महिलाएं मुख्य रूप से कमजोर सेक्स होती है, वहीं पे टॉयलेट एक अपरंपरागत जो है कहानी बताता है ये फिल्म, जहां एक वृद्ध कुंवारा एक युवा महिला के प्यार में पड़ जाता है, यानी कि केशव अक्षय कुमार एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं। एक विशेष जो है रोमियो के रूप में शुरू होता है फिल्म, जो एक मजबूत यानी कि पीड़ता सात्मक के साथ व्यवस्था में उसके पालन पोषण से पैदा हुई उसकी उग्रवादी आदतों से भरा हुआ है। लेकिन उस शाही और मुखर यह है कि भूमि पेडनेकर एक स्वतंत्र महिला है जो एक अधिक उधार घर में पली बड़ी है।
केशव उस लड़के के रूप में शुरू होता है जिसने अपने जो है कुंडली में समस्याओं को दूर करने के लिए भैंसु से शादी कर ली है। लेकिन एक बार जब वह जय के प्यार में पड़ जाता है तो वह सामान्य यानी कि स्टॉकर रोमियो और सिंट्रो को अपना लेता है, जिसकी वजह से सुख यह है कि टॉयलेट में इमोशंस जो है यानी कि इंटेलिजेंस है और हर मोड़ पर जय की आधुनिक जो है मानसिकता सवाल उठाई जा सकती है। और केशव को यहाँ पे फटकार भी लगाया जाता है कि आखिरकार वे शादी कर लेता तो है, लेकिन चीजें नाटकीय मोड़ लेती है जब जया को पता चलता है कि केशव के घर में शौचालय नहीं है। तो केशव के पिता जो है पंडित जी सुधीर पांडे अपने घर की सीमा के भीतर अद्भुत यानी कि शौचालय होने के सख्त खिलाफ है। टॉयलेट का लेखन जो है सामाजिक मजाकिया और पूरी तरह से जो है यानी कि व्यंग्यात्मक है। ये फिल्म जितनी ही कार्ड कॉमेडी वाली है उतनी ही अपरंपरागत जो है रोमांस से भरी हुई है। केशव और जय की प्रेम कहानी कथा में हमेशा अपना महत्व रखता है। उनका रोमांस फिल्म को इसके सबसे उदाता और शानदार क्षण देता है। टॉयलेट की कहानी के निष्पादन के साथ एकमात्र समस्या यह है कि ये कुछ ज्यादा ही देशभक्तिपूर्ण और सरल हो जाता है। ये सांस्कृतिक और धर्म की आर में प्रचलित की गई यानी कि हर धर्मी पर सटीक मिशन साधती है, लेकिन इसकी आलोचना कभी सूक्ष्म नहीं होती। ये थोड़ा क्रूर और अति जो शीर्ष यानी कि दृष्टिकोण फिल्म को उदारता होने का मौका देता है, जिसकी वजह से ये करना चाहिए कि फिल्म भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक जो है व्यवहार की शानदार प्रस्तुति देखने को मिलता है। कहानी का एक बड़ा हिस्सा जो कि जुगाड़ के लिए एक भारतीय की रुचि से संबंधित है, जहाँ पे हम ठोस समाधानों के बजाय समस्याओं के सती उपहार के साथ जो है आते हैं, टॉयलेट और अधिक जो आकर्षक हो जाता है अगर इसके जो है कि अखियान में यानी कि अंतरराष्ट्रवाद पर जो है ढीली गई होती। तो गाइस कहानी तो काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों जो बात बिल्कुल शानदार होती है वो अक्षय कुमार का एक प्रदर्शन है फिल्म में। ये उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक है और वह एक तेजतर्रार और आत्मविश्वासी कुंवारे से एक समर्पित पति बन जाते हैं। फिल्म में वह महिलाओं जो हल्के में लेने से इस फिल्म के अंदर उनका सम्मान करने तक जाते हैं। जो एक ऐसा हीरो है फिल्म में जो अपनी गलती स्वीकार करता है और फिर जो है बदलाव का फैसला करता है। अभिनेता अक्षय कुमार अपनी भूमिका में बस जो है अभूतपूर्वक है। दम के बारे में हम बात कर ले तो वो काफ़ी शानदार दम लगा के इस फिल्म के अंदर हईशा के बाद जो है भूमिका यानी कि भूमि पेटनेकर का ये फिल्म जो है दम लगा के हईशा के बाद जो है भूमि पेटनेकर की बड़े पर्दे पर एक आकर्षक जो है अवतार में वापसी हुई थी इस फिल्म से। जबकि उसकी भूमिका उसकी पहली फिल्म के समान है, वह भूमिका में आत्मविश्वास और ऊर्जा की भावना लाती है। साथ ही साथ दोस्तों दोनों की केमिस्ट्री टॉयलेट एक प्रेम कथा में सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है। दिव्येंदु के बारे में हम बात कर ले तो दिव्येंदु शर्मा ने केशव के भाई सह दोस्त की भूमिका निभाई है। उनका प्रदर्शन इतना शानदार है कि आप उन्हें टॉयलेट के एक अधिकांश फ्रेम की पृष्ठभूमि में जादुई चीजें करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों अब टॉयलेट एक प्रेम कथा एक मजबूत जो है सामाजिक संदेश के साथ एक ठोस मनोरंजन फिल्म है, जो हो सकता है कि इसमें सबसे जो है परिष्कृत जो है पटकथा न हो, लेकिन निर्देशक श्री नारायण सिंह की इस विषय को चतुराई से संभालने की कला इसके नेक इरादों का सबसे अधिक जो है फायदा उठाता है। ये चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी एक मजबूत जो है मामला बना हुआ है, जो आकर्षक यानी कि संवादों और स्मार्ट किरदारों और उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन वाली फिल्म है। और ये एक स्वच्छ और प्रशंसित जो है मनोरंजन फिल्म है। इसने काफी बेहतरीन कमाई की थी 2017 के अंदर। आइए दोस्तों अब सीधी कहानी को यहाँ पे रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपने गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों की आड़ में खुले में शौच करने जाते हैं। वहां पे केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है फिल्म में, क्योंकि उसके पिता पंडित विमल नाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है और उनका मानना है कि उनके बेटे की काला भैंस से शादी के बाद जो है केशव के भाग्य को सुधारने में मदद मिलेगी। केशव एक
पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलते हैं, उसके प्यार में पड़ जाते हैं और आखिरकार उससे शादी करने के लिए मना लेते हैं उसे। हालांकि केशव के पिता का विचार यह है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह उसी लड़की से शादी कर सकता है जिनके हाथ में 6 2 अंगूठे हो, क्योंकि यहाँ पे जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। इसकी वजह से केशव ने एक कीर्तिमान जो है अंगूठा बनवाया है उसके लिए और इसे जया को देता है, जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठे के रूप में पहनती है। केशव के यहाँ पे बेपरवाह पिता उनकी शादी के लिए फिर राजी हो जाते हैं। देखने के बाद केशव के घर में अपनी पहली जो है सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस भी आ जाती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार कोशिश के बावजूद जया अडिग रहती है अपनी जिद पे। वह समस्याओं को हल करने के लिए कुछ जो अस्थायी समायोजित जो है करता है। पहले दोस्तों उसे एक पड़ोसी के घर में लेके जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर एक पड़ी हुई बुजुर्ग जो है एक पड़ी बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल जो है टॉयलेट बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों ये दिखाया गया है कि एक ट्रेन में जो गांव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, जहां पे वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बना यानी कि रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जो है एक दिन आता है जब शौचालय में वो बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चला जाता है कहीं, और परेशान होकर निराश होकर जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अब वापस तो अपने घर चली जाती है, लेकिन अब यहाँ केशव के पास वो आना नहीं चाहती और दोस्तों आने के बजाय वो बोलती है कि तुम पहले अपने घर में शौच बनाओ वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब गांव में शौचालय बनाने के लिए अपने सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित जो है नियामक पदाधिकारी से संपर्क करते हैं और अपने सामने वाले वार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करते हैं। जब निर्माण जो है समाप्त हो जाता है उसके बाद केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि दोस्तों केशव अभी भी सो रहा है, लेकिन शौचालय के पूरे तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। इसके बाद दोस्तों जया अब तलाक के लिए फाइल कर चुकी है। तलाक के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। इसके बाद केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित जो है सरकारी विभाग जो है हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने के अपने फैसले पर अडिग है। जब तक कि वह एक दिन जो है उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय जो है दरवाजे पर गिर जाती है, उसके बाद दोस्तों उसके कूल्हे में चोट लग जाता है और वह जोर से रोने लगती है कि वह असंभव जो है चलकर घर तक नहीं जा सकती शौच के लिए खेत, और यह है कि उसे केशव धारा सामने वाले अहाते के साथ जो है अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय में मदद करते हैं। तब जो है उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर के भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती है। दोस्तों केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक जो है नोटिस मिलता है, जिसमें न्यायाधीश से आग्रह किया गया है कि वह उनके तलाक को मंजूर न करे क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल खुशी से एक साथ जो है बाहर आते हैं। केशव के पिता जया से माफी मांगते हैं, उसके जीत के लिए माफी मांगते हैं। अंत में क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर जो है मोबाइल और शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों ये कहानी 2013 में ही सामने आ गया था। ये फिल्म 2013 की हिंदी फिल्म जो है गोलियों की रासलीला रामलीला के लेखक सिद्धार्थ सिंह और गरिमा वहलधारा लिखित की गई थी और ये एक सच्ची घटना के साथ कुछ समानताएं साझा करता है। फिल्म जिसमें 19 वर्षीय प्रियंका भारती 2012 में अपने पति के घर से भाग गई थी जब शौचालय उनके घर में नहीं था, तब
फिल्म में अंतिम क्रेडिट से पहले जो है टॉयलेट में उल्लेख किया गया था कि ये मध्य प्रदेश की अनीता नर्र की कहानी पर आधारित है, जिसने अपने पति शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह शौचालय नहीं था। फिल्म निर्माता जो है प्रवीण वैश ने निर्माताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें जो है दावा किया गया था कि टॉयलेट एक प्रेम कथा ने इस विषय पर आधारित जो है उनकी डॉक्यूमेंट्री मनाने के लिए 150 और संवादों के निकल है, जिसकी वजह से स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ावा देने का एक अच्छा प्रयास बताया था। दिसंबर 2017 में बिल गेट्स ने टॉयलेट एक प्रेम कथा को 2017 में हुई 6 जो सकारात्मक चीजों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। अभिनेता कुमार ने फिल्म के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में एक शौचालय खोदा था और फिल्म का ट्रेलर 11 जून 2013 को जारी किया गया था सबसे पहले। इसके बाद दोस्तों रिव्यू करते हुए समीक्षा करते हुए एग्रीगेटर वेबसाइट टोरेंट टोमेटोज पर टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को 11 समीक्षकों के आधार पर 10 में से 5 स्टार मिली थी। इसके अलावा दोस्तों 27 अनुमोदन रेटिंग दिया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और कहा, निर्देशक श्री नारायण सिंह जो है समाज को एक आईना दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारे जो है अंधविश्वासी ग्रामीणों असली आसानी से आलसी प्रशासन और भ्रष्ट जो है राजनेताओं ने वास्तव में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा देश बना दिया है गंदगी से। जी हाँ फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस फिल्म को रिव्यू करते हुए फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिया गया और समीक्षा जो है समाप्त की और ये कहते हुए कि कुल मिलाकर शौचालय एक प्रेम का था, कमियों के बावजूद जो है मनोरंजन के साथ एक मजबूत सामाजिक संदेश को आश्चर्यजनक रूप से एकीकृत करता है और समाज में कई पुरानी जो है प्रथाओं पर भी सवाल उठाता है। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने मूवी को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी और कहा, टॉयलेट एक प्रेम कथा एक मजबूत सामाजिक संदेश के साथ एक ठोस मनोरंजन फिल्म है। इस फिल्म में सबसे जो है पॉलिश किए गए स्क्रीन प्ले नहीं हो सकता है, लेकिन निर्देशक श्री नारायण सिंह की इस विषय को चतुराई से संभालने से इसके नेक इरादों का सबसे अधिक जो है फायदा होता है। न्यूज 18 के तरफ से इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया गया था और दोस्तों उन्होंने अपने रिव्यू में कहा है कि ये स्पष्ट होता है कि फिल्म का दिल सही जगह पर है, लेकिन जबरदस्त जो है पेंट रिंग का थकाऊ हो जाती है। अक्षय कुमार बिल्कुल जो है सही मात्रा में लेवी लाते हैं और भूमि पेडनेकर के बारे में हम बात कर ले तो चमकती है अपने कैरेक्टर में। ये मैला लेखन है, लेकिन जहाँ पे आपको बता दे टॉयलेट एक प्रेम कथा में क्षमता थी, लेकिन वहीं पे केवल जो है इनके छिटपुट रूप से मनोरंजन फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा कि एक प्रेम कथा टॉयलेट एक प्रेम कथा भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का इतना गंभीरता से समर्थन करती है कि एक बिंदु के बाद ये शुरू होता है जहां विद्या बालन अभिनीत की गई प्रियंका भारती के विज्ञापन की तरह दिखने के लिए द हिंदू के लिए लिखते हुए नम्रता जोशी ने कहा था, जबकि कुछ जो क्षमता अंत तक खोई हुई थी पहली छमाई में दिखाई देती है, क्योंकि फिल्म का दूसरा भाग एक में समाप्त होता है, जिसकी वजह से टोटल आपको बता दें मेजर फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम ने ये कहते हुए इसे 1.5 स्टार दिया कि टॉयलेट एक प्रेम कथा की दर्शाती हुई एक प्रेम कथा है कि यहाँ पे माइंस स्टॉकिंग और इसके अलावा जो है इस फिल्म के अंदर यानी कि चमचागिरी यह है कि एक अच्छी फिल्म हो सकती थी, जो कि सैबल चटर्जी ने इस फिल्म को रिव्यू करते हुए इन्होंने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त थी, जिसकी वजह से फिल्म ने काफ़ी शानदार कमाई किया था 2017 में। तो गाइस, ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने किया है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार, उनके अलावा भूमि पेडनेकर और इस फिल्म में दिव्यांशु शर्मा अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। दोस्तों ये फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक जो है भावनाओं के कारण ये फिल्म में एक अलग चीज दिखाया गया है, जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत सारे जगहों पे टॉयलेट देखने को नहीं मिलता है, उसी चीज को इस फिल्म में दिखाया गया है। एक साथ दोस्तों इस फिल्म के निर्माता के बारे में हम बात करें तो दोस्तों अक्षय कुमार और नीरज पांडे द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अभिनय करते हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों ये फिल्म भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के अभियानों के साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच के उन्मूलन पर जोर देने के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। दोस्तों ये फिल्म भारत की शौचालय समस्या पर प्रकाश डालती है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक जो भावनाओं के कारण होती है, जो गांव में अभी भी बहुत सारे जगहों पे टॉयलेट देखने को नहीं मिलता है। यही वजह था इस फिल्म को बनाने का, जो दिखाया गया फिल्म में कि कैसे एक के टॉयलेट ना होने की वजह से एक औरत जो है बहुत परेशान होती है और वो अपने पति से फाइल कर लेती है तलाक के लिए। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी भी ये मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, जो महिलाओं को बहुत ज्यादा निराश करता है, जो आगे चलकर यौन उत्पीड़न का भी कारण बनता है ये चीज। दोस्तों इस फिल्म को शूटिंग करने के बाद मध्य प्रदेश की अनीता नर्य की सच्ची कहानी पर इस फिल्म की कहानी आधारित है, ये हमें बताया गया था। ये दोस्तों उनकी कहानी के बारे में भी हम जान लेते हैं। इसने अपने पति शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह शौचालय नहीं था। इसी चीज को लेकर फिल्म को बनाया गया था। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को 11 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला था। दोस्तों खास करके फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट की मुख्य अभिनेताओं की पटकथा और प्रदर्शन के लिए इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी। और दोस्तों ये फिल्म घरेलू स्तर पर और साथ ही साथ विदेशों में भी विशेष रूप से सच्ची में एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी, और ये फिल्म अक्षय कुमार की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और दुनिया भर में भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पांचवी फिल्म है। दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म ने 311 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। इस फिल्म ने जो चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के अवार्ड के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को सीधे 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नारायण सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अक्षय कुमार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 3 नामांकन प्राप्त हुए थे इस फिल्म के लिए। आइए दोस्तों अब इस मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करते हैं कि इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला था रिलीज होने के बाद। सबसे पहले दोस्तों बता दें, पूर्व मुख्य चुनाव के बाद जो है जिन्हें भारत में चुनाव को साफ सुथरा बनाने में मदद करने का श्रेय दिया था इस मूवी ने। इसी के साथ दोस्तों प्रसिद्ध रूप से सरकारी जो है समितियों की तुलना में और शौचालय की यात्रा की ये एक कहानी को बताया गया है। यात्रा की ये कहते हुए कि लोग जो है बिना कुछ किए लंबे समय तक जो है बैठे रहते हैं, इस वजह से श्री नारायण सिंह की शौचालय एक प्रेम कथा, एक सरकारी समिति जितनी जो है दिलचस्प लगती है ये फिल्म। दोस्तों ये फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के लिए कुछ प्रचार स्टंट और आंशिक रूप से प्रेम कहानी के साथ एक व्यक्ति के अपनी जो है पत्नी के लिए शौचालय बनाने की मिशन के बारे में बताता है। यह वास्तव में एक फिल्म होनी चाहिए थी कि कैसे भारत में वयस्क जो है पुरुष अभी भी अपने माता पिता की सदियों पुरानी जो है मान्यताओं को और प्रतिगामी के साथ जो है परंपराओं का सम्मान करने के लिए रीढ़ नहीं खोज सकते हैं। इसके बाद दोस्तों केशव यानी कि अक्षय कुमार फिल्म के लिए अपने रूढ़िवादी पिता की अपेक्षाओं के कारण पत्नी को ढूंढना लगभग जो है असंभव हो गया है, जिनमें से एक या फिर जो है एक या एक यह कि दुल्हन के 2 अंगूठे होने चाहिए, यानी कि ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। उनके पिता का ये कहना है कि मैं उस लड़की से विवाह करूंगा जिसके पास 2 अंगूठे होने चाहिए। समृद्धि का संकेत ये है, जहाँ पे जय के लिए मुश्किल ये होता है और वहाँ पे अंत तक उससे शादी कर लेते हैं जय से, यहाँ तक कि दोस्तों मिट्टी से उसके लिए एक अतिरिक्त अंगूठा भी बनवा लेते हैं, लेकिन जब वह
उसे छोड़ देती है तो यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है, और वजह यह है कि उनके घर में शौचालय नहीं है। तो दोस्तों, केशव को अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए बिल्ली पाँव बंद करना चाहिए और एक जो है रास्ता निकालना चाहिए फिल्म में। भारत में खुले में शौच एक गंभीर समस्या है, जहां आधी से अधिक आबादी के पास शौचालय नहीं है। लेकिन सिंह इस मुद्दे को सबसे निराश और साधारण तरीके से सुलझाते हुए फिल्म को बनाया है। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म में देखने को मिलता है कि कैसे शौच जो है कितनी जरूरी होती है एक घर में। जया स्कूल में अव्वल और एक ऐसी लड़की है जो भारतीय है, लेकिन यहाँ पे पश्चिमी सोचती है। फिर भी वह उन जो है विशेषताओं को प्रदर्शित करती है जो उसकी तथाकथित मुक्त सोच के विपरीत है। जब केशव उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं और उसकी अनुमति के बिना उसकी जो है तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, तो वह एक मिली सेकेंड के लिए गुस्सा होने का नाटक करती है इससे पहले कि वह उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी में आपको तो अच्छी कहानी देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म से ये भी मैसेज दिया गया है कि एक घर में कम से कम एक टॉयलेट तो बनाओ, जिसकी वजह से आपके घर की जो महिलाएं हैं वो अपने घर में सुरक्षित रहे। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि शुक्र ये है कि वह शौचालय के बिना घर में रहने से इनकार कर देती है, और केशव सच्ची भारतीय परंपरा में बुनियादी स्वच्छता के मुद्दों पर अपने चिड़चिड़े पिता का सामना करने से इनकार करते हैं। इसके बजाय वह जया को यहाँ पे निकटम्बा रेलवे स्टेशन पर लेकर जाते हैं ताकि वह ट्रेन में शौचालय का उपयोग कर सके, जो हर सुबह वहाँ रुकती है। दूसरी बार वह उसे एक पड़ोसी के घर में लेकर जाते हैं, वहाँ पे यहाँ तक कि गांव में जो है जो शूटिंग कर रही होती है फिल्म यूनिट से एक मोबाइल जो है शौचालय भी चुरा लिया गया था। लेकिन दोस्तों, टॉयलेट एक प्रेम का था केवल जो है केशव और जया की निराश कहानी के बारे में नहीं है। ये फिल्म सिंह भरत सरकारी अधिकारियों एक मुख्यमंत्री जिसकी समस्या का समाधान सरकारी जो है कार्यालयों में शौचालय को बंद करना है ताकि उनके अधिकारियों को शौचालय न होने के दर्द का एहसास हो, और लंबे लंबे जो है भाषण जो जनता की तुलना में कम प्रभावित हो। दोस्तों, अंत में क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है बॉलीवुड ये सोचता है कि हर क्रांति समाचार चैनलों पर यहाँ पे गर्मा गर्म जो है बहस से होती है शुरुआत। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इसलिए हमारे नायक अपना यानी कि समाधान ढूंढते हैं। फिल्म में पत्रकारों की भीड़ के बारे में हम बात कर ले तो अपनी कहानी को राष्ट्रीय सुर्खियों में रखी गई है। कलाकारों में से एक पेडनेकर रूखे और अजीब है, फिल्म में हर अवसर पर गंभीर भाषण देते हैं, लेकिन अभिनेता अक्षय कुमार अधिक जो है सीमित है क्योंकि अधिक जो है शांत तरीके से शौचालय शहीद की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इस फिल्म को औसत दर्जे की गहराई से उठाने के लिए पर्याप्त नहीं किया गया है। तो दोस्तों, कुल मिला के इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी थी और ये मूवी 2017 की सबसे अधिक कमाई करने वाली चौथी फिल्म है। साथ ही साथ दोस्तों, अक्षय कुमार के करियर में भी सबसे ज्यादा कमाई इसी फिल्म ने किया है। दोस्तों, कभी भी दुनिया को बदलने के लिए अच्छे इरादे होने चाहिए। अक्षय कुमार की फिल्म में अच्छे इरादे तो है क्योंकि टॉयलेट एक प्रेम का था में नेक इरादों की वजह से फिल्म को बनाया गया था। हालांकि ये भारत का चेहरा जो है बदलने वाली फिल्म नहीं हो सकती है। यहाँ पे निश्चित रूप से भारतीय सांस्कृतिक उसके और इसके अलावा हट धर्मी जो है मूल्यों पर और यहाँ पे आधुनिक जो है समाज में बदलाव की आवश्यकता का एक स्वच्छ और विस्तृत जो है आत्मा निरीक्षण है। ये दुर्लभ जो है माध्यम हो सकता है जो एक जो है सामाजिक कारण लेती है और इसे बड़े पैमाने पर जो है संतोषजनक सिनेमाई अनुभव के रूप में प्रस्तुत करता है। कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव कस्बे की है, जहां स्थान मथुरा और उसके आसपास में बसा हुआ एक गांव है, इसलिए पात्रों और उनके जो है लहजे और उनकी संस्कृति पर इस क्षेत्र का भारी प्रभाव पड़ा हुआ है। इस सेटिंग में जहाँ पे महिलाएं मुख्य रूप से कमजोर सेक्स होती है, वहीं पे टॉयलेट एक अपरंपरागत जो है कहानी बताता है ये फिल्म, जहां एक वृद्ध कुंवारा एक युवा महिला के प्यार में पड़ जाता है, यानी कि केशव अक्षय कुमार एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं। एक विशेष जो है रोमियो के रूप में शुरू होता है फिल्म, जो एक मजबूत यानी कि पीड़ता सात्मक के साथ व्यवस्था में उसके पालन पोषण से पैदा हुई उसकी उग्रवादी आदतों से भरा हुआ है। लेकिन उस शाही और मुखर यह है कि भूमि पेडनेकर एक स्वतंत्र महिला है जो एक अधिक
उधार घर में पली बड़ी है। केशव उस लड़के के रूप में शुरू होता है जिसने अपनी जो है कुंडली में समस्याओं को दूर करने के लिए भैंसु से शादी कर ली है। लेकिन एक बार जब वह जय के प्यार में पड़ जाता है तो वह सामान्य यानी कि स्टॉकर रोमियो और सिंड्रो को अपना लेता है, जिसकी वजह से सुख रेह की टॉयलेट में इमोशंस जो है यानी कि इंटेलिजेंस है और हर मोड़ पर जय की आधुनिक जो है मानसिकता सवाल उठाई जा सकती है। और केशव को यहाँ पे फटकार भी लगाया जाता है कि आखिरकार वे शादी कर लेता तो है, लेकिन चीजें नाटकीय मोड़ लेती है जब जया को पता चलता है कि केशव के घर में शौचालय नहीं है। तो केशव के पिता जो है पंडित जी सुधीर पांडे अपने घर की सीमा के भीतर अद्भुत यानी कि शौचालय होने के सख्त खिलाफ है। टॉयलेट का लेखन जो है सामाजिक मजाकिया और पूरी तरह से जो है यानी कि व्यंग्यात्मक है। ये फिल्म जितनी ही कार्ड कॉमेडी वाली है उतनी ही अपरंपरागत जो है रोमांस से भरी हुई है। केशव और जय की प्रेम कहानी कथा में हमेशा अपना महत्व रखता है। उनका रोमांस फिल्म को इसके सबसे उदाता और शानदार क्षण देता है। टॉयलेट की कहानी के निष्पादन के साथ एकमात्र समस्या यही कि ये कुछ ज्यादा ही देशभक्तिपूर्ण और सरल हो जाता है। ये सांस्कृतिक और धर्म की आड़ में प्रचलित की गई यानी कि हर धर्मी पर सटीक मिशन साधती है, लेकिन इसकी आलोचना कभी सूक्ष्म नहीं होती। ये थोड़ा क्रूर और अति जो शीर्ष यानी कि दृष्टिकोण फिल्म को उदारता होने का मौका देता है, जिसकी वजह से ये करना चाहिए कि फिल्म भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक जो है व्यवहार की शानदार प्रस्तुति देखने को मिलता है। कहानी का एक बड़ा हिस्सा जो कि जुगाड़ के लिए एक भारतीय की रुचि से संबंधित है, जहाँ पे हम ठोस समाधानों के बजाय समस्याओं के साथी उपहार के साथ जो है आते हैं, टॉयलेट और अधिक जो आकर्षक हो जाता है अगर इसके जो है कि अखियान में यानी कि अंधराष्ट्रवाद पर जो है ढीली गई होती। तो गाइस कहानी तो काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों जो बात बिल्कुल शानदार होती है वो अक्षय कुमार का एक प्रदर्शन है फिल्म में। ये उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक है और वह एक तेजतर्रार और आत्मविश्वासी कुंवारे से एक समर्पित पति बन जाते हैं फिल्म में। वह महिलाओं जो हल्के में लेने से इस फिल्म के अंदर उनका सम्मान करने तक जाते हैं, जो एक ऐसा हीरो है फिल्म में जो अपनी गलती स्वीकार करता है और फिर जो है बदलाव का फैसला करता है। अभिनेता अक्षय कुमार अपनी भूमिका में बस जो है अभूतपूर्वक है। दम के बारे में हम बात कर ले तो वो काफी शानदार दम लगा के इस फिल्म के अंदर हईशा के बाद जो है भूमिका यानी कि भूमि पेडनेकर का ये फिल्म जो है दम लगा के हईशा के बाद जो है भूमि पेडनेकर की बड़े पर्दे पर एक आकर्षक जो अवतार में वापसी हुई थी इस फिल्म से, जबकि उसकी भूमिका उसकी पहली फिल्म के समान है। वह भूमिका में आत्मविश्वास और ऊर्जा की भावना लाती है। साथ ही साथ दोस्तों दोनों की केमिस्ट्री टॉयलेट एक प्रेम कथा में सबसे अच्छी चीजों में से एक है। दिव्येंदु के बारे में हम बात कर ले तो दिव्येंदु शर्मा ने केशव के भाई सह दोस्त की भूमिका निभाई है। उनका प्रदर्शन इतना शानदार है कि आप उन्हें टॉयलेट के एक अधिकांश फ्रेम की पृष्ठभूमि में जादुई चीजें करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों अब टॉयलेट एक प्रेम कथा एक मजबूत जो है सामाजिक संदेश के साथ एक ठोस मनोरंजन फिल्म है, जो हो सकता है कि इसमें सबसे जो है परिस्थिति जो है पटकथा न हो, लेकिन निर्देशक श्री नारायण सिंह की इस विषय को चतुराई से संभालने की कला इसके नेक इरादों का सबसे अधिक जो है फायदा उठाता है। ये चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी एक मजबूत जो है मामला बना हुआ है, जो आकर्षक यानी कि संवादों और स्मार्ट किरदारों और उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन वाली फिल्म है। और ये एक स्वच्छ और प्रशंसित जो है मनोरंजन फिल्म है। इसने काफी बेहतरीन कमाई की थी 2017 के अंदर। आइए दोस्तों अब सीधी कहानी को यहाँ पे रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन के शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपने गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों की आड़ में खुले में शौच करने जाते हैं। वहां पे केशव को एक काली भैंस से शादी करनी पड़ती है फिल्म में, क्योंकि उसके पिता पंडित विमल नाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है और उनका मानना है कि उनके बेटे की काला भैंस से शादी के बाद जो है केशव के भाग्य को सुधारने में मदद मिलेगी।
केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलते हैं, उसके प्यार में पड़ जाते हैं और आखिरकार उससे शादी करने के लिए मना लेते हैं उसे। हालांकि केशव के पिता का विचार यह है कि केशव की कुंडली ऐसी है कि वह उसी लड़की से शादी कर सकता है जिनके हाथ में 6-2 अंगूठे हो। क्योंकि यहाँ पे जया इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, इसकी वजह से केशव ने एक कीर्तिमान जो है अंगूठा बनवाया है उसके लिए और इसे जया को देता है, जो इसे अपने अंगूठे पर अंगूठे के रूप में पहनती है। केशव के यहाँ पे बेपरवाह पिता उनकी शादी के लिए फिर राजी हो जाते हैं। देखने के बाद केशव के घर में अपनी पहली जो है सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस भी आ जाती है और केशव से इसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार कोशिश के बावजूद जया अडिग रहती अपनी जिद पे। वह समस्याओं को हल करने के लिए कुछ जो अस्थायी समायोजित जो है करता है। पहले दोस्तों उसे एक पड़ोसी के घर में लेके जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर एक पड़ी हुई बुजुर्ग जो है एक पड़ी बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल जो है टॉयलेट बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों ये दिखाया गया है कि एक ट्रेन में जो गांव के रेलवे स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, जहां पे वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बना यानी कि रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जो है एक दिन आता है जब शौचालय में वो बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चला जाता है कहीं और। परेशान होकर निराश होकर जय केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। अब वापस तो अपने घर चली जाती है, लेकिन अब यहाँ केशव के पास वो आना नहीं चाहती और दोस्तों आने के बजाय वो बोलती है कि तुम पहले अपने घर में शौच बनाओ वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब गांव में शौचालय बनाने के लिए अपने सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संबंधित जो है नियामक पदाधिकार से संपर्क करते हैं और अपने सामने वाले वार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करते हैं। जब निर्माण जो है समाप्त हो जाता है उसके बाद केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं। जबकि दोस्तों केशव अभी भी सो रहा है, लेकिन शौचालय के पूरे तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह टूटने से बचा लेता है। इसके बाद दोस्तों जया अब तलाक के लिए फाइल कर चुकी है। तलाक के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। इसके बाद केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संबंधित जो है सरकारी विभाग जो है हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव के पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने के अपने फैसले पर अडिग है। जब तक कि वह एक दिन जो है उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय जो है दरवाजे पर गिर जाती है। उसके बाद दोस्तों उसके कूल्हे में चोट लग जाता है और वह जोर से रोने लगती है कि वह असंभव जो है चलकर घर तक नहीं जा सकती शौच के लिए खेत, और यह है कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते के साथ जो है अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय में मदद करते हैं। तब जो है उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर के भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती है। दोस्तों केशव और जया के तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक जो है नोटिस मिलता है। इसमें न्यायाधीश से आग्रह किया गया है कि वह उनके तलाक को मंजूर न करें, क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल खुशी से एक साथ जो है बाहर आते हैं। केशव के पिता जया से माफी मांगते हैं, उसके जीत के लिए माफी मांगते हैं। अंत में क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर जो है मोबाइल और शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों ये कहानी 2013 में ही सामने आ गया था। ये फिल्म 2013 की हिंदी फिल्म जो है गोलियों की रासलीला रामलीला के लेखक सिद्धार्थ सिंह और गरिमा वहलधारा लिखित की गई थी और ये एक सच्ची घटना के साथ कुछ समानताएं साझा करता है। फिल्म जिसमें 19 वर्षीय प्रियंका भारती 2012 में अपने पति के घर से भाग गई थी जब शौचालय उनके घर में नहीं था, तब
फिल्म में अंतिम क्रेडिट से पहले जो है टॉयलेट में उल्लेख किया गया था कि ये मध्य प्रदेश की अनीता नर्र की कहानी पर आधारित है, जिसने अपने पति शिवराम के घर वापस जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वहां शौचालय नहीं था। फिल्म निर्माता जो है प्रवीण वैश ने निर्माताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें जो है दावा किया गया था कि टॉयलेट एक प्रेम कथा ने इस विषय पर आधारित जो है उनकी डॉक्यूमेंट्री मनाने के लिए दृश्यों और संवादों के निकल है, जिसकी वजह से स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ावा देने का एक अच्छा प्रयास बताया था। दिसंबर 2017 में बिल गेट्स ने टॉयलेट एक प्रेम कथा को 2017 में हुई 6 जो है सकारात्मक चीजों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। अभिनेता कुमार ने फिल्म के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में एक शौचालय खोदा था और फिल्म का ट्रेलर 11 जून 2013 को जारी किया गया था सबसे पहले। इसके बाद दोस्तों रिव्यू करते हुए समीक्षा करते हुए एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को 11 समीक्षकों के आधार पर 10 में से 5 पे स्टार मिली थी। इसके अलावा दोस्तों 27 अनुमोदन रेटिंग दिया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और कहा, निर्देशक श्री नारायण सिंह जो है समाज को एक आईना दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारे जो है अंधविश्वासी ग्रामीणों असली आसानी से आलसी प्रशासन और भ्रष्ट जो है राजनेताओं ने वास्तव में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा देश बना दिया है गंदगी से। यहाँ फ्रेंड्स ये चीज़ आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस फिल्म को रिव्यू करते हुए फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिया गया और समीक्षा जो है समाप्त की और ये कहते हुए कि कुल मिलाकर शौचालय एक प्रेम कथा कमियों के बावजूद जो है मनोरंजन के साथ एक मजबूत सामाजिक संदेश को आश्चर्यजनक रूप से एकीकृत करता है और समाज में कई पुराने जो है प्रथाओं पर भी सवाल उठाता है। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने मूवी को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी और कहा, टॉयलेट एक प्रेम कथा एक मजबूत सामाजिक संदेश के साथ एक ठोस मनोरंजन फिल्म है। इस फिल्म में सबसे जो है पॉलिश किए गए स्क्रीन प्ले नहीं हो सकता है, लेकिन निर्देशक श्री नारायण सिंह की इस विषय को चतुराई से संभालने से इसके नेक इरादों का सबसे अधिक जो है फायदा होता है। न्यूज 18 के तरफ से इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिया गया था। और दोस्तों उन्होंने अपने रिव्यू में कहा है कि ये स्पष्ट होता है कि फिल्म का दिल सही जगह पर है, लेकिन जबरदस्त जो है पेंट रिंग का थकाव हो जाती है। अक्षय कुमार बिल्कुल जो है सही मात्रा में लेवी लाते हैं और भूमि पेडनेकर के बारे में हम बात कर ले तो चमकती है अपने करेक्टर में। ये मैला लेखन है, लेकिन जहाँ पे आपको बता दे टॉयलेट एक प्रेम कथा में क्षमता थी, लेकिन वहीं पे केवल जो है कि छिटपुट रूप से मनोरंजन फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा कि एक प्रेम कथा टॉयलेट एक प्रेम कथा भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का इतना गंभीरता से समर्थन करती है कि एक बिंदु के बाद ये शुरू होता है जहाँ विद्या बालन अभिनीत की गई प्रियंका भारती के विज्ञापन की तरह दिखने के लिए द हिंदू के लिए लिखते हुए नम्रता जोशी ने कहा था, जबकि कुछ जो क्षमता अंत तक खोई हुई थी पहली छमाई में दिखाई देती है क्योंकि फिल्म का दूसरा भाग एक में समाप्त होता है, जिसकी वजह से टोटल आपको बता दें मेजर फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम ने ये कहते हुए इसे 1.5 स्टार दिया कि टॉयलेट एक प्रेम कथा की दर्शाती हुई एक प्रेम कथा है कि यहाँ पे माइंस स्टॉकिंग और इसके अलावा जो है इस फिल्म के अंदर यानी कि चमचागिरी यह है कि एक अच्छी फिल्म हो सकती थी, जो कि सैबल चटर्जी ने इस फिल्म को रिव्यू करते हुए इन्होंने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म की कहानी काफी जबरदस्त थी, जिसकी वजह से फिल्म ने काफी शानदार कमाई किया था 2017। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। तो गाइस ये फिल्म कौन से आपको कहां पे हिंदी में देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो 11 अगस्त 2017 को हिंदी भाषा में इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला है। बात करें मूवी की बजट के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को बनाने में 75 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म ने 310 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था और ये फिल्म साल 2017 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म में अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर और दिव्येंदु शर्मा फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे।
फिल्म की डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो श्री नारायण सिंह ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो सिद्धार्थ सिंह ने फिल्म की कहानी को लिखे थे। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फिल्म को कई सारे लोगों ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। सबसे पहले अरुणा भाटिया, उसके बाद शीतल भाटिया, उनके बाद जो है अक्षय कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए हैं। तो दोस्तों ये मूवी 2017 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।